सीरियल ऐसा कोई दावा नहीं करता कि इसका कोई भाग या घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से सही या प्रामाणिक हैं। ये सीरियल टीपू सुल्तान के राज्य की सीमाओं के अंदर अथवा उसके बाहर सुल्तान के जीवन अथवा शासन का ना तो पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करता है और ना ही यह टीपू सुल्तान का जीवन वृत्तांत है। ये सीरियल इस उपन्यास को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। No claim is made for the historical accuracy or authenticity of any episode or events depicted in the serial. This serial neither portrays nor conveys the complete record of either the life or of the rule of Tipu Sultan within or outside his kingdom and is not a life history. The serial is a dramatized presentation of the novel. अंग्रेजी फौज भी बालम पहुंच गई होगी। अगर अंग्रेजी फौज बालम पहुंच गई तो हम अपनी तलवार से उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम नहीं समझते वो अलानिया माहिद मैंगलोर के खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार वो हमारे जलाल के तेवर देखेंगे। हमारी खबरों के मुताबिक बालम में फिलहाल 6 अंग्रेज फौजी मुशीर मौजूद है जो चोरी छुपे राजा के फौज की तरबियत कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 नई तोपें, 5,000 तलवारें, 8,000 बंदूकें, 1,000 घोड़े और 40 मन गोला बारूद खुफिया तौर पर वहां भेजे हैं। और राजा साहब से यह भी वादा किया है कि अगर टीपू सुल्तान ने बालम पर हमला किया तो अंग्रेजी फौज उनकी मदद के लिए जरूर आएगी। अगर ये सच है, इसका जो नतीजा निकलेगा वो अंग्रेजों से ज्यादा राजा बालम के लिए खतरनाक होगा। अशरफ बेग। जी सुल्तान। राजा बालम को पयाम भेज दो, शनिचर की सुबह सूरज निकलने से पहले हमारी फौज के नकारे उन्हें हमारी आमद का ऐलान सुनाएंगे। ये पैगाम एक कासिद के जरिए फौरन रवाना किया जाएगा। समझे आप, अगर अंग्रेज पदनीयत है तो अपनी फौजें फौरन बालम दे। अगर इस तरह खबरदार कर देना, खतरे से खाली नहीं है सुल्तान। हम खतरों के बगैर जी नहीं सकते बाजी बाबा।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। कर्नल डॉसन और मेजर पार्किंसन पधारे हैं। उन्हें ले आओ बालकृष्ण। जो आ गया महाराज। हेलो कर्नल डॉसन। हेलो। हेलो। बैठिए। थैंक यू। लीजिए, पढ़ लीजिए टीपू सुल्तान की चेतावनी। राजा साहब, आप यकीन करते हैं कि टीपू सुल्तान तारीख और वक्त बताकर ही हमला करेंगे? जी। आपने ये नहीं सोचा कि टीपू सुल्तान को अचानक हमला करने में ज्यादा कामयाबी मिल सकती है? हो सकता है उन्हें मेरा और मेरी फौज का कोई डर ना हो। यह भी हो सकता है कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर वो आप पर गोली चला रहे हों, और शायद वो हमें दिखाना चाहते हैं कि आपका हमारी मदद करने का वादा कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हमारी फौज आपकी मदद जरूर करेगी। वो यहाँ से बस इतनी दूरी पर है कि 2 घंटे में आप तक पहुंच जाएगी। आप टीपू सुल्तान से हरगिज न डरिए। परंतु केवल धमकी देकर टीपू सुल्तान को क्या लाभ पहुंचेगा? इतनी सी बात आप नहीं समझे। ऐसी धमकी देकर वो हमें धोखे में रखना चाहते हैं। यानी हम यहाँ उनके हमले का इंतजार करें और वो हमला कहीं और करे। लेकिन आप तो कहते हैं मैसूर के तमाम रास्तों पर आपकी नजर है और आपको फौरन पता चल जाता है सुल्तान कहाँ कूच कर रहे हैं। बेशक। तो बताइए सुल्तान की फौज इस समय कहाँ कूच कर रही है? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। खुद सुरंगापटना में उनके खिलाफ इतनी साजिशें चल रही है कि उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं। अगर वो बालम की तरफ कूच करें तो आपको पता चल जाएगा? यकीनन। कर्नल डॉसन, टीपू सुल्तान हमारी रियासत पर हमला करने के लिए चल पड़े हैं। वो चल नहीं पड़े, ये सिर्फ उनकी एक चाल है। वो आपको डरा धमका कर ये चाहते हैं कि आप उनके सामने झुककर अमन और सुलह के लिए हाथ जोड़ दें। और अगर आपने सुलह कर ली तो आपका राज आपसे छीन लेंगे। लेकिन अगर आप टीपू सुल्तान से जीत गए तो बालम और मैसूर की सरहद के जितने गांव और शहर हैं, वो हम आपकी हुक्मरानी में दे देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हम टीपू सुल्तान से जीत जाएं, तो आप अपनी फौजें यहाँ छोड़ दें। देखिए, आप टीपू सुल्तान की चाल को कामयाब बना रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं हमारी अच्छी खासी फौज यहाँ बेकार पड़ी रहे और वो हमारा मजाक उड़ाए। राजा साहब, आप उनकी चालों को क्यों नहीं समझते? अगर उनकी हर धमकी पर हम इसी तरह डरते रहे तो हमारी फौज बस इधर से उधर, उधर से इधर मार्च करती रहेगी और टीपू सुल्तान से कोई लड़ाई नहीं हो पाएगी। फर्ज कीजिए हम इस गलतफहमी के शिकार रहें और उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो? नामुमकिन। और अगर उन्होंने हमला कर भी दिया तब भी डरने की कोई बात नहीं। हमने आपकी फौज को हर तरह के नए हथियारों से लैस कर दिया है। वो कम से कम 2 दिन तक टीपू सुल्तान की फौज को रोक सकती है और फिर हम आपकी मदद के लिए तैयार ही है। अब आप आराम कीजिए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र कैसे ना करूं कर्नल डॉसन, टीपू सुल्तान अपनी जबान के पाबंद है। वो जब धमकी देते हैं तो उस पर अमल करके दिखा भी देते हैं। आप टीपू सुल्तान से बहुत डरते हैं राजा साहब, लेकिन वक्त आने पर हम आपका सारा डर निकाल देंगे। May I take your leave, please? अबुजान, पता की मुबारकबाद को वो समय। मुबारकबाद तो हम तुम्हें पेश करने आए हैं बेटे, क्योंकि आज की फतेह का सहरा तुम्हारे सर है। मेरे सर?
हाँ बेटे, मैदाने जंग में राजा साहब को एक पहरेदार ने आके खबर की कि तुमने रानी और उसकी औलाद को गिरफ्तार कर लिया है। बस तो उसने अपनी नामूस की खातिर सुलह का झंडा ऊपर कर लिया और हमने उसकी सुलह मंजूर कर ली क्योंकि उसने हमारी शर्तें मान ली थी। आप लोगों ने सब बातचीत सुनी है, क्या मशवरा है आपका बताइए। महाराज, मेरी राय में तो अंग्रेजों का कोई विश्वास न किया जाए। टीपू सुल्तान से जंग करने की बजाय टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों से जंग की जाए। आपकी क्या राय है सुंदर राजन? महाराज, बालकृष्ण बच्चा है, नादान है, वह आपको सही मशवरा नहीं दे रहा है। मेरी मानिए तो आप टीपू सुल्तान से जंग जरूर कीजिए, अंग्रेज आपकी मदद का वादा जरूर पूरा करेंगे। मलैया। महाराज, मैं सुंदर राजन से सहमत हूं। सेनापति रामप्पा। महाराज, आप मेरी माने तो टीपू सुल्तान से अवश्य युद्ध कीजिए। आप तीनों ठीक कहते हैं, हमारा दिल भी यही कहता है। राजा बालम भी बहुत डरपोक और बुजदिल आदमी निकला। परसों पहले एक बार हैदर अली से हार चुका है और टीपू सुल्तान हैदर अली से बढ़कर जंगजू और बहादुर निकले। राजा का डर बेवजह नहीं है। कितना जिद कर रहा था कि हम अपनी फौजें बालम में रखें, लेकिन मुआहदे मैंगलोर के मुताबिक टीपू सुल्तान के खिलाफ हम किसी हिंदुस्तानी रियासत की मदद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने राजा पर यह असर डाला, वो है कि हम इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी के लिए तैयार हैं और 2 घंटे की नोटिस पर हम उसकी मदद के लिए फौजें भेज देंगे। वो तो ठीक है सर, मगर हमारे पास फालतू फौजें हैं भी नहीं जो 2 घंटे तो क्या 2 हफ्ते के नोटिस पर भेजी जा सकें। और क्या, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमने इस मक्कारी झूठ और बहानेबाजी से काम क्यों लिया। माय डियर मेजर, तुम जिसे मक्कारी कहते हो वो हमारी डिप्लोमेसी है और तुम जिसे झूठ समझते हो वो हमारी पॉलिसी है और बहानेसाजी हमारे फायदे की जरूरत। मान लिया आप हमारे उस्ताद हैं, लेकिन ये सब क्यों? क्यों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस गवर्नर वॉन हेस्टिंग्स के मंसूबे पर हमें फरमा बरदारी से अमल करना है। कैसा मंसूबा? एक तरफ खुद रियासत मैसूर में साजिशें करवाना और गद्दारों को तैयार करना, दूसरी तरफ मैसूर के सरहदी हुक्मरानों को पैसे और हथियारों से मदद करना, अपने एम्बेसडर्स और एडवाइजर्स के जरिए उनको टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाना और टीपू सुल्तान के उन पर हमला करने की सूरत में उनसे फौजी मदद करने का वादा करना। और अगर टीपू सुल्तान सचमुच उन पर हमला कर दें तो उनको दगा दे जाना। बिल्कुल ठीक, आखिर ये हिंदुस्तानी आपस में जंग करना कब सीखेंगे? जितना वो आपस में लड़ लड़ कर कमजोर होंगे उतनी ही हमारी ताकत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। आई अग्री सर। रामप्पा तुम वहां जाओ, उस टेंट को पहाड़ी के पास लगाओ। रहमान, टेंट वहां जाके लगाओ। आपको याद है सुल्तान, ये वही जगह है जहां लड़कपन में आपने महारानी बालम की हिफाजत की थी। हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। मकबूल खान रुक जाओ, ये हमारी हिफाजत में है। सुल्तान, ये सब तो जंग के बाद चलता ही रहता है। आगे मत बढ़ो मकबूल खान, ये हमारा हुक्म है। मैं कहता हूँ रुक जाओ। माशाल्लाह, क्या याददाश्त है। इस वाक्य की पूरी तफसील याद है आपको? इसलिए कि हमारे हाथों पहली बार किसी की जान गई, एक शरीफ औरत की इज्जत बचाने के लिए। उसके बाद हमने मौत के कई मेले देखे, फिर भी पहला खून बहुत कोशिश करने के बावजूद
हमारे जहन से नहीं निकलता। उसने हमारी रहमदिली को ललकारा था। बालम की वही सरजमीन जहां परसों पहले हमने मकबूल खां का खून बहाया था, आज फिर प्यासी नजर आती है। लेकिन हम चाहेंगे कि खून बहाए बगैर राजा बालम को सही रास्ते पर ले आए। ये कैसे हो सकता है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। बालम की जानिब हम कूच कब करेंगे? परसों आधी रात के बाद, ताकि सूरज तुलू होने से पहले राजा बालम को हमारे लश्कर की आमद साफ नजर आए। ठीक है, तब तक वक्त काटना मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे वक्त काटेंगे? कुछ पढ़ूंगा। वो देखिए, शिवजी हमारी किताबें हमारे खेमे में पहुंचा रहे हैं। कमाल है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सुल्तान को इस जंगी मुहिम पर किताबों की क्या जरूरत है। यहां तो बस एक तलवार एक सिपाही के लिए काफी है। एक सिपाही के साथ साथ हम एक हुक्मरान भी हैं, और हुकूमत करने के लिए हमें मुख्तलिफ उलूम से आगाही जरूरी है। इसके अलावा कुरान शरीफ, गीता, ग्रंथ साहिब और बाइबल भी हम पढ़ते हैं। यानी कि इंजील? जी। इसमें हैरत की क्या बात है? हम अंग्रेजों को हकारत की नजर से जरूर देखते हैं, लेकिन ईसाइयत और सभी मजहबों का एहतराम करते हैं। काजी बाबा, अब हमें इजाजत दीजिए। आंखों के सामने मौत लहरा रही है। कल सूर्योदय होने से पहले टीपू सुल्तान अपनी धमकी पूरी करने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, और कर्नल डॉसन की तरफ से अभी तक कोई समाचार नहीं। कर्नल डॉसन की तरफ से कोई समाचार आएगा भी नहीं। तुम ये कैसे कह सकती हो? अंग्रेजों के छलकों में खूब अच्छी तरह समझती हूँ, जिसे आप समझ की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बात बड़ी सीधी सी है। टीपू सुल्तान से जंग करवाकर अंग्रेज आपको अपना खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। अगर आप जंग जीत गए तो विजय अंग्रेजों की होगी, और अगर आप हार गए तो विजय टीपू सुल्तान की। किसी भी हालत में आपको कोई लाभ नहीं होगा। हमारा लाभ क्या है ये तुम नहीं समझ सकोगे। ये राजनीति की बातें जिन्हें तुम नहीं समझ सकती। सुनो, मैं क्या चाहता हूँ। मैं टीपू सुल्तान से बदला चाहता हूँ। कैसा बदला? याद नहीं, 18-20 वर्ष पहले हैदर अली ने किस बुरी तरह मुझे पराजित किया था। और मुझे भी याद है किस तरह उस वक्त टीपू सुल्तान ने मेरी इज्जत बचाई थी। और मुझे तब वो एक बच्चे थे, आज वो बच्चा टीपू सुल्तान बन गया है। हाँ, वो टीपू सुल्तान जिस पर हमारा इतिहास गौरव करेगा। आप उस टीपू सुल्तान से लड़ने चले हैं? आपको विश्वास है कि आप उससे जीत सकेंगे? क्यों नहीं, हमने अंग्रेजों से मदद जो मांगी है। ये तो फिरंगियों का और भी सौभाग्य होगा कि कुआं चलकर प्यासे के पास आया है। वो तो दो हिंदुस्तानी राज्यों को आपस में लड़ाकर दूर से तमाशा जरूर देखेंगे। तमाशा तो तुम देखो कि किस तरह अंग्रेज हमारी मदद करेंगे और किस तरह हम टीपू सुल्तान को पराजित करेंगे। आपकी बुद्धि पर तो पर्दे पड़ गए। याद रखिए, अंग्रेजों से आपको सिर्फ छल मिलेगा और टीपू सुल्तान से शर्मिंदगी होगी। तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई। हम तुमसे कोई राय लेने नहीं आए हैं। किंतु आपको राय के बिना रह भी तो नहीं सकती। मैं आपकी अधर्मिनी हूँ, आपके जीवन साथी हूँ। आपके भले में ही मेरा भला है, आप मेरा सुहाग है। आपको तबाही से बचाना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य है हमें तसल्ली देना, हमारा हौसला बढ़ाना, ना कि हमारे निर्णय की निंदा करना। क्षमा कीजिए, अंधे की आंख पर पट्टी नहीं बांधी जाती, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे रास्ते पर चलाया जाता है। आज तुम हमारी रानी नहीं, टीपू सुल्तान की माँ लगती हो।
तुमसे कोई बहस करना फजूल है। अभी तक टीपू सुल्तान यहाँ पहुँचे नहीं है, अभी वक्त है उनके कहर से बचने का, सोच लीजिए। क्या खबर है सर? टीपू सुल्तान अपने लश्कर के साथ बालम से 10 कोस के फासले पर पड़ाव डाले हुए है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 6,000 का लश्कर है। मेजर पार्किंसन से कहो हम बुलाते हैं। यस सर। मेजर, याद है राजा बालम ने हमसे कहा था टीपू सुल्तान सिर्फ धमकी नहीं देते, उस पर अमल भी करते हैं। यस सर। तो सुनो लेटेस्ट न्यूज, टीपू सुल्तान इज ऑन हिज वे टू बालम। आई सी सर। कल सुबह सनराइज से पहले पहले टीपू सुल्तान बालम के किले पर हमला जरूर करेंगे। तो क्या हमें बालम रवाना हो जाना चाहिए सर? नो 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 मेजर पार्किंसन, हमें जो खबर मिली है वो हमारे स्काउट से मिली है, अनऑफिशियल है। ऑफिशियली जब तक राजा बालम का मैसेज हमको नहीं मिलता हमें कुछ नहीं मालूम, समझे? यस सर। और राजा बालम का मैसेज आने के बाद हमारा रिस्पांस क्या होगा सर? आई डोंट नो मेजर, मैंने सारा हाल लिखकर गवर्नर जनरल को भेज दिया है। Let us wait and see. Om Shiva. Ma? आरती लो बेटा। हाँ माँ। माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? टीपू सुल्तान के पास। टीपू सुल्तान के पास? हाँ माँ, चंद दिनों से बड़ी दुविधा में था। राजा साहब अंग्रेजों को उकसाने पर टीपू सुल्तान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं और ये मेरी आत्मा को कतई गवारा नहीं। मैंने अच्छी तरह सोच समझ कर निर्णय लिया है कि मैं जाकर टीपू सुल्तान को चेतावनी दे दूं। बेटा अगर तूने अपनी आत्मा की आवाज़ सुन ली है और उसके बताए रास्ते पर चल रहा है तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ और टीपू सुल्तान की शानदार विजय के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। रुक्मिणी, मुझे क्षमा करना, मैंने ऐसा निर्णय लिया है जिसके नतीजे में शायद मैं माँ और तुमसे कभी न मिल सकूं। लेकिन क्या करूं, अपने आप को रोक भी तो नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ, आपने एकदम सही निर्णय लिया है और वैसे भी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बहू लो बालकिशन को तिलक करो। राम और सीता बिछड़कर मिल गए थे, ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी इसी तरह बनी रहे। चल मां। चलता
जाइए सरदार बालकिशन, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे किले से बाहर जाना है। परंतु सेनापति रामप्पा का हुक्म है कि उनकी आज्ञा के बिना ना कोई किले में आ सकता है ना बाहर जा सकता है। मैं राजा साहब का संदेश लेकर जा रहा हूँ, बहुत जल्दी है, रामप्पा जी से मिलने का समय मेरे पास नहीं है। क्षमा कीजिए, फिर तो मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं तुम्हें दरवाजा खोलने का हुक्म देता हूँ, ये ना भूलो कि मैं तुम लोगों का सरदार हूँ। संदेश ले जाने में देर हो गई तो राजा साहब और सेनापति तुमको कड़ी सजा देंगे, और उनसे पहले खुद मैं। दरवाजा खोल दो। मैसूर के पड़ाव में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? मुझे बालकृष्ण कहते हैं, मैं बालम का एक सालार हूँ। तब तो हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मैं टीपू सुल्तान के दर्शन के लिए आया हूँ। क्या काम है? मुझे आप उनके पास ले चलिए, मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, अपनी तलवार हमारे हवाले कर दो। आओ मेरे साथ। बालम का एक सालार बालकृष्ण आपसे मिलना चाहता है। हाजिर किया जाए। जो हुक्म सुल्तान। राजा बालम का सालार और यहां? बात कुछ समझ में नहीं आई सुल्तान। प्रणाम सुल्तान। शेरे मैसूर महाबली टीपू सुल्तान की सेवा में बालम का एक अदना सा सालार हाजिर होने का सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे हालात में जबकि हमारे लश्कर से बालम को जबरदस्त खतरा है, तुम्हारा यहाँ आना बड़े ताजुब की बात है। मैं राजा साहब और उनके अंग्रेज मित्रों के विरुद्ध यहाँ सुल्तान की सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इसकी कोई वजह तो होगी? मैं आपका शुभचिंतक हूँ सुल्तान। यह कहकर तुम अपने मालिक से गद्दारी कर रहे हो। राजा साहब एक देशद्रोही हैं और मैं एक देश प्रेमी, मेरा उनको छोड़ देना कोई गद्दारी नहीं होगी। इस विषय में मेरा जमीर बिल्कुल साफ है सुल्तान। अगर तुम्हारा जमीर साफ है तो क्या तुमने राजा साहब को हमारे पास आने की खबर दी? राजा साहब को बताना, क्या तुम्हारे जमीर का तकाजा नहीं था? यदि मैं राजा साहब को बता देता तो मेरी मां, मेरी पत्नी, खुद मेरी हत्या संभव थी। मैं आपकी सेवा के लिए जीवित न रहता। आपकी सेवा मेरा आदर्श है सुल्तान। तुम हमें राजा साहब की फौजी तैयारियों के बारे में क्या बता सकते हो? अंग्रेजों ने उनकी फौज को बेहिसाब हथियारों और भरपूर तरबियत से तैयार रखा है। खुद अंग्रेजी फौज उनकी मदद के लिए अक्की कोटी से पहुंचने के लिए तैयार है। तुम्हें यकीन है कि अंग्रेजी फौज उनकी मदद के लिए जरूर पहुंचेगी? अंग्रेज अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो राजा साहब की मदद के लिए शायद आ भी जाएं या ना भी आएं। बालकृष्ण, हमारी खिदमत में आने का तुम्हें क्या इनाम दिया जाए?
मुझे किसी इनाम का लालच नहीं है सुल्तान। फिर भी तुम्हें कुछ न कुछ इनाम जरूर मिलेगा। मांगो, क्या मांगते हो? अगर सुल्तान को मुझे इनाम देने पर इसरार है तो गुस्ताखी माफ। मैं राजा बालम की जिंदगी आपसे मांगूंगा। हम समझे नहीं। अगर राजा बालम जंग में न मारे गए, गिरफ्तार हुए, तो आप उनकी जान बख्श देंगे। हमें मंजूर है। हम तुम्हें गद्दार समझ रहे थे, यह हमारी गलतफहमी थी। तुम्हारी नेक नियति और खुलूस को हम कद्र से देखते हैं। यह मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है सुल्तान। हम अपने लश्कर में तुम्हें एक सालार के ओहदे से सरफराज करते हैं। सर आंखों पर सुल्तान, मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा और आप पर अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। प्रणाम सुल्तान। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ जरूर कहो। मैं आपके मुकाबले अगर खेल रहा होता तो ये चाल आपको हरगिज ना चलने देता। बेशक, ये तो कतई बेईमानी है। लेकिन एक बात है अशरफ बेग, मैं सारी जिंदगी मैदान जंग में जान पर खेलता रहा हूं। कभी कभार तन्हाई में शतरंज भी खेल लिया करता हूं। ऐसी हरकत हो ही जाती है, मजा आता है। अच्छा हो गया भाई तुम आ गए, आओ बैठो, एक एक बाजी हो जाए। जी शुक्रिया। बैठो। गाजी बाबा, मुझे आपकी किस्मत पे रश्क आता है। वो क्यों भाई? एक तरफ तो आप नवाब हैदर अली खान साहब बहादुर मरहूम के इतने करीब थे और दूसरी तरफ सुल्तान से इतने करीब हैं। दो इतनी बड़ी हस्तियों की सोहबत किसे नसीब होती है। तुम ठीक कहते हो अशरफ बेग, ऐसी सोहबत पर मैं जितना फक्र करूं कम है। होना तो ये चाहिए था कि आपके बेटे बेटे का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? काजी बाबा, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की। तुमने मुझे रूहानी तकलीफ पहुंचाई है। अगर आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। बहुत तकलीफ हुई है मुझे, बहुत तकलीफ हुई है, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। काजी बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी, मैं तो जानता भी नहीं आप। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं जानते, और जो लोग जानते हैं वो उसका जिक्र मेरे सामने कभी नहीं करते। आइंदा मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन अब जो जिक्र निकल आया है तो मैं तुम्हें जरूर उसके बारे में बताऊंगा, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो और तुम्हें भी सबक मिले। अशरफ बेग, वो मेरा इकलौता बेटा था, मेरा और मेरी बेगम का बड़ा चहीता था वो। हमारी जिंदगी उसी के दम से थी। सुल्तान ही की उम्र का था वो। हैदर अली और सुल्तान दोनों को बहुत अजीज था वो। जिस तरह मैं हैदर अली का हमदर्द था, वो सुल्तान का था।
हर वक्त हर खेल में हर जंग में सुल्तान के साथ रहता था। उसका नाम था रसूल खान। मेरा बेटा चंदन कोठी में 8 बरस तक सालार के ओहदे पर रहा और इतनी तरक्की करके अब मैसूर तोपखाने का सालार बन गया है। माशाल्लाह, इतनी कम सुनी में ये तरक्की किसे मिलती है। मैं टीपू मस्तान औलिया के मजार पे जाऊंगी और नियाज दिलवाऊंगी। जरूर अम्मी जान, यकीन कीजिए ये तरक्की मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैं गाजी खान का बेटा और सुल्तान का दोस्त हूँ। ये तो मेरे अपने कारनामों की बदौलत मिली है। ज्यादा सीखी ना बगार और बरखुरदार। मरहूम नवाब हैदर अली साहब ने कहा था कि रसूल खान दूसरा गाजी खान बनेगा और मैं कहता हूँ कि रसूल खान न सिर्फ बहादुरी में बल्कि वफादारी में भी मेरा नाम रोशन करेगा। आपने मुझे याद किया सुल्तान। हम बड़ी उलझन में पड़ गए गाजी बाबा। समझ में नहीं आता कि क्या करें। उलझन? ऐसी कौन सी उलझन आन पड़ी है सुल्तान? कुछ रोज हुए बीर साजफ ने गद्दारों की एक फहरिस्त हमें पेश की थी। जी, उस फहरिस्त के नाम या तो बीर साजफ जानते हैं या हम, और किसी तीसरे को इसका इल्म नहीं। जी, एक नाम ऐसा है जिसने हमारी नींदें उड़ा दी है, दुनिया से हमारा भरोसा उठा दिया है। आग भी दे दीजिए। कई रोज उलझन में रहने के बाद हमने तय किया है कि इसका फैसला आप पर छोड़ दें। का बेटा गद्दार नहीं हो सकता। ये तोहमत है, इल्जाम है। मेरे और आपके दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की साजिश है सुल्तान। मेरी समझ में नहीं आता आपने कैसे यकीन कर लिया। मेरे सादिक से कोई सबूत नहीं मांगा आपने। रसूल खान ने मद्रास के गवर्नर मकाटनी को लिखा था। इसमें हमारी फौजी ताकत की तफसील लिखी गई है जिसके मुआवजे में उसे मद्रास के इलाके में बहुत बड़ी जागीर मिलने वाली थी। उसका शुक्रिया अदा किया गया है। चंदरगुट्टी से खत ले जाने वाला कासिद शक में गिरफ्तार हो गया और यह खत उसके पास से बरामद हुआ था। ऐसे पक्के सबूत के बाद आपने इसका फैसला मुझ पर क्यों छोड़ा सुल्तान? क्योंकि वो आपका बेटा है और आप हमारे अभियान से कम नहीं। रसूल खान
फैसला फौजी अदालत में होगा। गुजारिश है कि शाही इख्तियारात से काम लेते हुए उसकी सजा माफ न करें, वरना मैं अपने बेटे को मजबूरन कत्ल कर दूंगा। अगर आप नहीं चाहते एक बेटा अपने बाप के हाथों कत्ल हो जाए तो फौजी अदालत का फैसला बरकरार रखिए, मुझे इंतहाई मसर्रत होगी। गाजी बाबा आफरीन, सदा आफरीन। आप जैसे बुलंद किरदार इंसान का तारीख में भी बुलंद मुकाम होना चाहिए। जिन्होंने बादशाहों के हौसले बढ़ाए हैं और सल्तनतों की बुनियादें मजबूत की हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, एक बहुत ही अच्छे दोस्त का नुकसान हम भुला ना पाएंगे। अपने इकलौते बेटे का नुकसान रफ्ता रफ्ता भूलता चला गया, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। गाजी बाबा, अशरफ बेग, मैं हर भूल, हर गुनाह, हर जुर्म को माफ कर सकता हूं, लेकिन गद्दारी कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। हुजूर, हुजूर, राजा बालम की तरफ से यह खबर आई है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सुल्तान के लिए एक बहुत जरूरी खबर है, आओ। चलिए। Thank you.
होशियार, दुश्मन की फौज आ रही है। लाओ मुझे दो। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, उनके आने की पूरी पूरी आशा थी। सूर्य उदय होने में अभी एक घंटा बाकी है, अगर आप कहें तो अंग्रेजी फौज को संदेश भेज दिया। मैंने 3 घंटा पहले ही अक्की कोटी कर्नल डासन को संदेश भेज दिया है कि सुल्तान की फौज यहाँ आ चुकी है, वो किसी पल भी यहाँ आ सकती है। 3 घंटे पहले ही आपने संदेश भेज दिया, बड़ी होशियारी की। होशियारी मेरी नहीं, राजा साहब की है, ताकि अंग्रेजी फौज यहाँ वक्त पर आ जाए। हमारे राजा बड़े बुद्धिमान है, परंतु यदि टीपू सुल्तान यहाँ ना आए होते और अंग्रेजी फौज पहुंच जाती तो हम क्या जवाब देते? तो हम कह देते कि हमारे कर्मचारियों ने हमें गलत संदेश दिया है। सुंदर राजन, तुरंत और कर्मचारियों को दौड़ाओ और संदेश भेजो कि सुल्तान आक्रमण करने ही वाले हैं। जो हुक्म। फिर तो अंग्रेजी फौज यहाँ आने में और भी जल्दी करेगी और हमारे कर्मचारियों को अधिक दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। वो फौज अक्की कोटी से चल पड़ी होगी, रास्ते में मिल जाएगी, हो सकता है नजदीक हो। तुम फौरन जाकर कर्नल डासन को संदेश भेज दो। सेनापति रामप्पा जी, टीपू सुल्तान आ गए हैं, आप और आपके सालार अपनी सेना को तैयार रखें। जी, अंग्रेजों की फौज बस आती होगी। जो आ गया। चलिए आप उस तरफ का मोर्चा संभालिए, आप उत्तर का मोर्चा संभालिए और आप दक्षिण का मोर्चा संभालिए, जाइए। बाबा पड़ाव डाला जा चुका है। गाजी बाबा, किन ख्यालों में खो गए हो गाजी बाबा? हर जगह पे पड़ाव डालते हुए मैं ख्यालों में भी खो जाता हूं और यादों में भी। ख्याल ये आते हैं कि दुश्मन की ताकत क्या है और हमारी ताकत क्या है, दुश्मन की चालें क्या होंगी और हमारा जवाब क्या होगा और कितनी जल्दी हम फतह हासिल कर सके। और यादें पिछली जंगों की, पिछली कामयाबियों की। लेकिन आज मौका दूसरा है, लेकिन जगह वही है। जी, जगह वही? क्या पहले भी? हाँ, परसों पहले हम बालम पहली बार आए थे, नवाब हैदर अली मरहूम, सुल्तान और मैं। तब तक सुल्तान ने मुझसे जंगी तरबियत हासिल कर ली थी।
और बड़ी कमसिनी में बहादुरी के जौहर दिखाने लगे थे। पहली बार वो जंग के लिए रवाना हो रहे थे। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? जी हाँ, बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही क्यों? चचा जान, बात यह है कि मैंने जंग के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी जंग देखी नहीं। न जाने क्या देखना पड़े। बस बेटा, थोड़ी देर में तुम देखोगे कि जंग शुरू होने से पहले सब के सब अपनी सांसें रोके दिल थामे उस घड़ी का इंतजार करते हैं और अपने अंदर का डर मिटाने के लिए जोर जोर से नारे लगाते हैं, हमला करो, आक्रमण हो, आगे बढ़ो, मार डालो, दुश्मन बचकर जाने ना पाए। और उसके बाद तलवारों की झनकारे, तोपों की घनघरज, साथ साथ दर्दनाक छिकरे, मौत की आहटें, मरने वालों की हिस्की। मैं कह चुका, बस कीजिए चाचा जान, बस कीजिए। सुल्तान, जंग रहम दिलों का नहीं, संग दिलों का काम है। जब इंसान के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो उस पर एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सा वशीपन सवार हो जाता है। उसे कत्ल गारत के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। हर तरफ हर जगह खून की धारें बहने लगती हैं, हर तरफ कटे हुए सर, तड़पते हुए धड़ नजर आते हैं, हद नजर तक लाशों के अंबार ही अंबार नजर आते हैं। बेटे, जंग जीतने वालों की भी एक तरह से हार होती है और जंग हारने वालों की भी एक तरह की जीत। किसी की मौत पर जश्न मनाया जाता है और किसी की मौत पर मातम। बस यही है जंग। लेकिन फतह या शिकस्त का दारोमदार किस पर होता है? फौज के सिपा सालार पर। बड़ा सिपा सालार वही होता है जो कम से कम खून बहाकर फतह हासिल कर ले और अपने फतह का सहरा अपने सिपाहियों के सर बांधे। ऐसा ही होगा, लेकिन हमारी जंग एक संदिल की जंग कभी नहीं होगी। पालम ही वो जगह थी जहां सुल्तान ने पहली जंग देखी थी। यही हमने 17 साल पहले जबरदस्त जंग की थी और इसी राजा बालम पर फतेह हासिल की थी, जिसने सुल्तान से कहा था, मेरा सर आपके आगे इज्जत से झुक जाता है। आज उसी राजा ने फिर सरकशी की है। देखिए सुल्तान क्या करते हैं। आओ चले।
तक नहीं आई अंग्रेजी फौज। आ जाएगी महाराज। लेकिन कब? टीपू सुल्तान का पाल पर कब्जा हो जाने के बाद? मुझे लगता है टीपू सुल्तान हमसे हथियार डाल देने की मांग करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, हम हथियार डालने की शर्तों पर बातचीत लंबी खींच लेंगे। इतने में अंग्रेजी फौज यहाँ आ जाएगी। चलो। सुंदर राजन जाइए। टीपू सुल्तान फरमा रहा है सल्तनत खुदादाद मैसूर, राजा साहब पालम को अपनी बेहतरीन तवन्नाएं पेश करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि उनके कासिदा को एक ऐलान आम पढ़ कर सुनाने की इजाजत दी जाए और उन कासिदा की हिफाजत का ख्याल रखा जाए। अच्छा अच्छा, मैं राजा साहब को जाकर टीपू सुल्तान का संदेश सुनाता हूँ। महाराज वो सुन लिया मैंने, कासिदों को भेजकर और ऐलान आम करवाकर टीपू सुल्तान क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं? समझ में नहीं आता। हम तो समझ रहे थे वो हमसे हथियार डलवाएंगे। ये तो और भी अच्छा हुआ, हो सकता है वो हम पर बड़े मेहरबान हो रहे हो और हमारे सामने दोस्ती और शांति का प्रस्ताव पेश करना चाहते हो। तो हम भी उन पर मेहरबानी करेंगे, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से समय बिताएंगे और इतने में अंग्रेजी फौज यहाँ आ जाएगी। तो क्या उत्तर दिया जाए? बड़ी देर कर दी राजा साहब ने जवाब देने में। वो अंग्रेजी फौज की आमद का ख्वाब देख रहे हैं, अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं और हमारा भी। आप बजा फरमाते हैं सुल्तान। राजा साहब बालम अपने काबिले कद्र और जीशान परस्त फरमा रवाए सल्तनत मैसूर जनाब टीपू सुल्तान की खिदमत में, जिनकी हिफाजत और दोस्ती पर उनको हमेशा फख्र रहा है, अपना प्रणाम पेश करते हैं। सुल्तान अपने ऐलान आम के लिए जितने कासिद चाहे भेज सकते हैं, 10, 20, 30, राजा साहब उनका स्वागत करेंगे और वो खुद भी इस ऐलान आम को एहतराम और तवज्जो से सुनेंगे। और अगर ये कासिद राजा साहब से मिलना चाहेंगे तो जरूर मिल सकेंगे। इन कासिदों को सुरक्षा का पूरा विश्वास दिलाया जाता है। तीस कासिदों को क्या, आप तो एक भी कासिद मत भिजवाइए। राजा साहब तो सिर्फ तोप और बंदूक की जबान समझते हैं सुल्तान। अल्फाज का करिश्मा भी तो देखिए काजी बाबा। अजीब तरह की जंग है आपकी। दुश्मन की फौज पर तोप के गोले और बंदूक की गोलियों की बजाय आप उन पर अल्फाज और ख्यालात की बौछार कर रहे हैं। अल्फाज, ख्यालात, नजरियात सुनने वाले के जमीर को जगाते हैं। ये काम एक बंदूक नहीं कर सकती। बंदूक एक आदमी को हमेशा के लिए खामोश कर देती है और उसके साथ उसके जमीर को दफना देती है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती। मैं आपकी दूर अंदेशी की कद्र करता हूं सुल्तान, लेकिन एक बात बताइए, अगर दुश्मन जंग कर रहा है तो क्या आपके अल्फाज उसकी रूह और जमीर पर कोई असर कर सकते हैं? गाजी बाबा, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी इसी भूमि के सपूत हैं जिसने हमें पैदा किया। दुश्मन तो हमारी नजरों से दूर है, उसी ने इनको हमसे जंग करने का गलत रास्ता दिखाया ताकि एक दिन हमारी नाइतफाकी
और फूट का फायदा उठाकर हम सबको अपना गुलाम बना ले। इस सूरत में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है? सिर्फ अपने हम वतनों के जमीर को ललकारने से। खुदा आपकी तमन्ना पूरी करे। अभी तक अंग्रेजी फौज का पता नहीं। अंग्रेज अपने वादे के बड़े पक्के होते हैं सरकार। कर्नल डासन ने जबान दी है, वो अपनी फौज लेकर जरूर आएंगे। ये क्या? सुल्तान फरमा रवाए सल्तनत खुदा दाद मैसूर। बालम निवासियों, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और जहां तक हमारे बस में है हम आपकी जिंदगी और आजादी की जमानत देते हैं। हम आपको अमन और सुकून की जिंदगी पेश करते हैं। हम आपकी मसर्रत और खुशहाली में दखल नहीं देंगे। अगर आपके राजा साहब समझते हैं कि हमसे जंग करने की कोई वजह है तो हम यकीन दिलाते हैं कि दोनों जानिब से बाइज्जत तौर पर उसे दूर किया जा सकता है। हमारी लड़ाई तो उनसे है जो आपको हमसे लड़ने पर वरगला रहे हैं। यकीनन हम उस गैर मुल्की दुश्मन से लड़ेंगे जो भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करने की कोशिश में लगा रहता है। हमारा ख्याल है कि आप उस गैर मुल्की दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं जो घंटे दो घंटे में यहाँ पहुँचने वाला है। हम भी आपकी तरह बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त हम आप पर हमला नहीं करेंगे जब तक आप हमें जंग करने पर मजबूर न कर दे। हम फिर दोहराते हैं कि हम दोस्ती का पैगाम लाए हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपके खिलाफ एक तलवार भी नहीं उठेगी और ना आपकी तरफ कोई बंदूक चलाई जाएगी। हमारी कोई तोप किसी ऐसी जगह ना होगी जहां से आपका किला निशाना बन सके, जब तक एक और गैर मुल्की दुश्मन आकर आपके बराबर खड़ा ना हो जाए। खुदा की और सल्तनत खुदादाद की कसम खाकर हम आपसे ये अहद करते हैं कि इसके बदले में हम आपसे सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने जमीर का जायजा लेंगे और अपनी निगाहें बालम और मैसूर की सरहदों से परे उस दूर दराज इलाके पर भी उठाएंगे जिसका नाम हिंदुस्तान है। वो किसका है? वो आपका है, हमारा है और उन सबका है जो यहाँ पैदा हुए हैं। और इसके जो जानिसार हैं वो उस गैर मुल्की दुश्मन का नहीं है जिसने एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब हमारे इलाके पर नजर लगाए बैठा है। आप अंग्रेजों के गुलाम बनना चाहें या आजाद रहना चाहें यह आपके इख्तियार में है, लेकिन आप हमारा फैसला सुन लीजिए। हम और हमारी आवाम अपनी आखिरी सांस तक आजादी की फजा में जिएंगे। हमने आपके आगे अमन का गुलदस्ता और जंग की तलवार रखती है।
आप सब मिलकर जो चाहे पसंद करें, हम आपकी पसंद का एहतराम करेंगे, हम आपकी पसंद का इंतजार कर रहे हैं। अपनी नेक तमन्नाओं के साथ हम अपना पैगाम खत्म करते हैं और बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। क्या हो रहा है? ये फौज है या नौटंकी? वो सेनापति जी आ गए, हमसे बात कर लीजिए। मैं तुम्हें जाने क्या क्या नहीं दे सकता। मैंने जाने का फैसला कर लिया, तुम नहीं जा सकते। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। तुम्हें रुकना होगा। बिल्कुल, तुम बिना आज्ञा यहाँ से नहीं जा सकते। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें हल्के से नहीं जाने दूंगा। जरूर जाऊंगा। सेनापति जी यही है, उनसे जाकर आज्ञा ले लो। सेनापति जी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं सुल्तान के विरुद्ध नहीं लड़ूंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लेकिन आप ये बताइए, मैं सुल्तान से जंग क्यों करूं? क्योंकि यह राजा साहब का हुक्म है। राजा साहब का या अंग्रेज साहब बहादुर का? ये तुम क्या बक रहे हो? मैं कहता हूँ जाओ अपनी जगह पर। मैं जानता हूँ अपनी जगह, वहीं लौट कर जा रहा हूँ। ठहरो, मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गोली मार दो इसे। मारो गोली। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? चला दो गोली। मैं कहता हूं गोली मारो इसे। ये क्या बदतमीजी है? सरदार उधर देखिए। क्या हो रहा है? ये हमें छोड़कर जा रहे हैं। अंग्रेजी फौज कहाँ है? उसे आने में देर हो गई, बहुत देर हो गई। फिर तो मुझे ही जाना पड़ेगा अंग्रेजी फौज से मिलने के लिए, उन्हें साथ लाने के लिए। चलो।
भलैया, मैं अंग्रेजी फौज को लेने जा रहा हूँ। रानी साहिबा को आखिरी कोठी पहुंचाओ। जो आज्ञा सरकार। राजा साहब कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे, भाग रहे हैं टीपू सुल्तान से घबरा कर। मौका अच्छा है, चलो लूटमार करते हैं। आओ चल निकल। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। ये राजा साहब का हुक्म है, टीपू सुल्तान यहाँ किसी भी पल आ सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम अंग्रेजी फौज के साथ राजा साहब से जा मिलेंगे। वहाँ अंग्रेजी सेनापति आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। आपका मतलब है टीपू सुल्तान से हमें ज्यादा खतरा है और फिरंगी से कम? टीपू सुल्तान हमारे दुश्मन है और फिरंगी हमारे मित्र। हम खुद अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन। आवाज़ें उस ओर से आ रही है और टीपू सुल्तान इस ओर है। प्रणाम नानी साहब। गांव वालों ने लूट मार मचा दी, जनता में हड़कंप मच गई है, अफवाह फैली हुई है कि
फिरंगियों और सुल्तान में यहाँ घमासान का रंग पड़ने वाला है। और लोग कहते हैं जब राजा साहब ही भाग गए तो उन्हें कौन बचाएगा? मंत्री जी, अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो बड़ी तबाही आने वाली है। रानी साहिबा, शहर का बुरा हाल है, हर तरफ दंगा फसाद और खून खराबा चल रहा है। ये हुजूम महल की तरफ खजाना लूटने के लिए आ रहा है। सुन लिया रानी साहिबा आपने? अब सोचने का समय बिल्कुल नहीं है, चलिए जल्दी कीजिए। अगर राजा साहब के जाने के बाद शहर में इतना दंगा हो रहा है तो हमारे चले जाने के बाद क्या होगा? चलिए। से मतलब कामयाब नतीजा निकला। बालम की फौज ने राजा साहब का साथ छोड़ दिया है। बहुत खूब, कमाल है सुल्तान, आपने तो सचमुच करिश्मा कर दिखाया। पहले कभी ऐसा ना हुआ है, ना आइंदा कभी शायद हो। राजा साहब की क्या खबर है? रानी साहिबा और बच्चों को छोड़कर अपनी कोठी भाग गए। रानी साहिबा और बच्चों को छोड़कर भाग जाने की राजा साहब को आदत सी हो गई है। महारानी बालम,
सुल्तान की खिदमत में अर्ज है कि रानी साहिबा बालम आपसे मुलाकात करने तशरीफ लाई। बालम के सम्मान में मैसूर की फौज सलामी पेश करती है। तशरीफ रखिए। कई साल पहले आपने मेरी इज्जत बचाई थी, मैं आज तक उसे नहीं भूल पाई और हमेशा याद रखूंगी। आपकी वही शराफत मुझे यहां खींच लाई। आज हम आपसे अपना सुहाग मांगने आए हैं, जान बख्श दीजिए। चाहे तो युद्ध की क्षतिपूर्ति में आप आधा बालम ले लीजिए। रानी साहिबा, ना हमें राजा साहब की जिंदगी चाहिए ना बालम, दोनों आपके हैं। हम तो बस राजा साहब से इतना चाहते हैं कि वो अंग्रेजों से कभी हाथ न मिलाएं और एक अच्छे पड़ोसी की तरह दोस्ती और अमन के साथ रहें। हम सिर्फ अमन चाहते हैं और कुछ नहीं। काश अब हमारे बेटे होते। हम आप ही के बेटे हैं। नौशेरवाने दौरा मुनसिफे जमा फरमा रवा सल्तनत खुदा दाद फरखुंदा बुनियाद महबूब जमहूर शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान जलवा अफरोज हो रहे हैं। मुद्दगिरी की बगावत का मामला पेश किया जाए। मुलजिम को हाजिर किया जाए। मुलजिम बरकत अंसारी। मुद्दई उस्मान खान अपना बयान पेश करें। सुल्तान, मुलजिम बरकत अंसारी मुद्दागिरी जिले का एक शहरी है। इसने और इसके साथियों ने सुल्तान की जायज और कानूनी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। ईद के दिन मुसल्ला बागियों ने शहर में सुल्तान के सिपाहियों पर अचानक हमला कर दिया, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाद ये किले की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने किले के दरवाजे बंद करवाए, बागियों ने किले को घेर लिया और मुद्दागिरी जिले की हुकूमत अपने हाथों में ले ली। 10 दिन के बाद सालार गाजी खान लश्कर लेकर आए और बगावत को रफा दफा किया। बागियों के सरदार बरकत अंसारी को बहालत जंग में गिरफ्तार किया और हमें निजात दिलवाई।
मुलजिम का जुर्म साबित हो चुका है सुल्तान, वो बगावत के लिए सजाए मौत का मुस्तहक है। मुलजिम बरकत अंसारी, तुमने मुद्दई उस्मान खान सुबेदार मुद्दागिरी का बयान सुना, तुम पर हुकूमत के खिलाफ बगावत और सुल्तान वक्त से जंग करने के इल्जाम हैं, जिनकी सजा मौत है। तुम्हें अपनी सफाई में बयान देने का पूरा हक है, तुम्हें बयान देने की इजाजत दी जाती है। सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। आज से कोई एक साल पहले सुल्तान ने उस्मान खान को तरक्की देकर मुद्दागिरी का सूबेदार मुकर्रर किया था। होशियार बाश सूबेदार मुद्दागिरी, जनाब उस्मान खान तशरीफ ला रहे हैं। आदाब। आदाब। नमस्कार। आदाब। नमस्कार। आदाब। तशरीफ रखिए। सालार मोइनुद्दीन मेगरी। जी सूबेदार साहब। बड़ी मसर्रत की बात है कि हमारी दावत पर मुद्दागिरी के चंद मुअज्जिज शहरी यहां तशरीफ लाए हैं, तारुफ शुरू कीजिए। जी, श्री भास्कर राव यहां के जमींदारों में सबसे बुलंद मुकाम रखते हैं हुजूर। और आप हैं जनाब चांद पाशा, बहुत बड़े ताजिर हैं हुजूर। अगर किसी को मलिक तुज्जार का खिताब दिया जा सकता है तो ये वही हैं। सेठ सीताराम अपने बेश कीमत और बेमिसाल जवाहरात के लिए मशहूर हैं हुजूर। और आप हैं जनाब शेख नजीर, साहिबे जायदाद, सारे जिले में इनकी इमलाक फैली हुई है हुजूर। और आप हैं जनाब मुस्तफा अंसारी, यहां के अहले दौलत व सर्वत में अपना अलग मकाम रखते हैं हुजूर। और ये इनके बुलंद इकबाल और बुलंद किरदार फरजंद जनाब बरकत अंसारी हैं। तशरीफ रखिए। हजरत, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसी बाविकार हस्तियों से हमारा तारुफ हुआ, और इससे बढ़कर खुशनसीबी ये है कि सुल्तान ने हमें अपने इकराम से नवाजा और यहां का सूबेदार मुकर्रर किया। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरे जिले की भलाई और खुशहाली के लिए, अमन व अमान के लिए, इंसाफ और मसावात के लिए अनथक कोशिश करेंगे। इस मकसद के लिए हमें आपका और यहां के अवाम का तआवुन चाहिए। अवाम से भी हम जल्द राब्ता कायम करेंगे। हमारी मकामी हुकूमत से आपको कोई काम हो, कोई शिकायत हो, तो हम पूरी तवज्जो देंगे। आपकी अवाम की, पूरे जिले की खिदमत करना हमारा फर्ज है। हम बहुत जल्द पूरे जिले का दौरा करेंगे ताकि इसकी जरूरतों, मुश्किलों और मसाइल से हमें आगाही मिलती रहे। उम्मीद है कि आपसे कभी कभी मुलाकातें होती रहेंगी। अब हम इजाजत चाहेंगे। आदाब। नमस्कार। भाई मेकरी, अपने नए सूबेदार बड़े खुश अखलाक लगते हैं और शरीफ भी। पहले तो कोई ऐसा सूबेदार नहीं आया था जिसने हम सबको बुलाकर मुलाकात की हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ना ही पहले किसी ने ऐसे वादे किए थे। समझो मुद्दागिरी के दिन फिर गए। हमें बहुत खुशी है कि हमें इतने अच्छे सूबेदार उस्मान खान मिले हैं। अब यूं समझिए कि कुछ ही दिनों में मुद्दागिरी एक बहुत अच्छा जिला बन जाएगा इंशाल्लाह।
सूबेदार साहब, चंद ही महीनों में आप मुद्दागिरी में बड़े हरदिल अजीज हो गए हैं। हुजूर, सभी आपसे बहुत खुश हैं। हम भी मुद्दागिरी से बहुत खुश हैं। पूरे जिले का दौरा करने के बाद पता ये चला कि ये शहर तो बड़ा मालामाल है, हुस्न से भी और दौलत से भी। दाद देता हूँ हुजूर, क्या नजर पाई है आपने। वाकई ऐसा हुस्न और इतनी दौलत किसी जिले में नहीं मिलेगी। हुजूर, यहाँ तो जो भी सूबेदार आया उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, दादे ऐश दी और दोनों हाथों से माल बटोरा हुजूर। अच्छा? जी हाँ हुजूर, आपसे पहले जो सूबेदार यहाँ थे उन्होंने ऐसा हाथ साफ किया कि अपनी आने वाली नस्लों को भी निहाल कर लिया। तो तुम्हारा हमें क्या मशवरा है? नाचीज का क्या मशवरा है हुजूर, आप तो खुद समझदार हैं। हम सोचते हैं ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। सूबेदारी से हटने से पहले अपने मुस्तकबिल का बंदोबस्त नहीं किया तो फाके करने पड़ेंगे, और जहां बहती गंगा में सभी ने हाथ धोया है वहां हम पीछे क्यों रह जाएं? लेकिन ये काम तुम्हारी राजदारी और मदद के बगैर नहीं कर पाएंगे। बंदा हर खिदमत के लिए तैयार है हुजूर। और खिदमत की अच्छी कीमत भी मिलेगी। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
इन्होंने हमारा होश उड़ा दिया मेगरी। हम आज की रात सब कुछ भूलना चाहते हैं। उन्हें हमारे कमरे में भेज दो। जो हुकुम सरकार। सूबेदार साहब, अपनी मंगनी के अवसर पर अपनी मंगेतर को ये अंगूठी भेंट कीजिए। कितने की है? सिर्फ 500 पगोड़ों की हुजूर। और ये जवाहर मुलाजा फरमाई हुजूर, आपकी मंगेतर के गले में खूब खिलेगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा हुजूर। सिर्फ 2000 पगोड़े का है। और ये मोती देखिए, बसरे के मोती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नथ में लगाने लायक हैं। और ये जमरुद, ये सोने के कंगन, ये हीरे जवाहरात, आप जो चाहें वो ले लीजिए हुजूर। इससे अच्छा माल आपको और किसी जौहरी से नहीं मिलेगा। और फिर मेरे लिए आपसे नफा लेना पाप है पाप हुजूर। वो तो हम जानते हैं, लेकिन सेठ जी लेन देन पर लानत भेजिए। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो आता जाता रहता है, हाथ का मैल होता है, लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत बड़ी चीज है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। झूठ तो नहीं कह रहा हूँ सेठ जी? हरगिज नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इसलिए मेरी मानिए और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। सूबेदार साहब की पसंद के जवाहरात इन्हें तोहफे में दे दीजिए। आप इतने बड़े जौहरी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सूबेदार साहब से आपके ताल्लुकात सारे जिले में सबसे ऊंचे रहेंगे। क्यों, कैसी कही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये हुई ना समझदारी की बात। सूबेदार साहब अपनी पसंद को उठा लीजिए। ये हीरे का हार, ये मोतियों का हार, और ये कंगन, बस। अरे हुजूर, ये सब रख लीजिए। सेठ जी ना थोड़ा ही कहेंगे, ये तो और खुश हो जाएंगे, है ना सेठ जी? प्रणाम। ये लो तुम्हारा मेहनताना। सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, सूबेदार साहब, आपके राज में यह अंधेर कैसा? क्या हुआ शेख नजीर? मेरी गैरहाजिरी में आपके कारिंदे आए और उन्होंने मेरी गांव वाली हवेली और बाग जब्त कर लिया। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं? ओ, अच्छा, तो वो शानदार जायदाद तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है सूबेदार साहब। मैं आपका ताजिंदगी एहसान मंद रहूंगा अगर आप मेरी जायदाद मुझे वापस कर देंगे। वो तुमको वापस नहीं मिलेगी। मगर क्यों? हमारी मर्जी। मगर कानून के मुताबिक आपको ऐसा कोई अख्तियार नहीं है सूबेदार। ना सही, हमारी मर्जी यहाँ का कानून है शेख नजीर। अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए। ले जाओ इसे। मैं जायदाद वापस लेकर आऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी जायदाद वापस चाहिए। तुम्हें मेरी जायदाद वापस करनी होगी। मैं अपनी जायदाद वापस लेकर आऊंगा। उस्मान खान, तुम्हें कानून। दगाबाज, बकार, फरेबी, शराफत का ढोंग रचाकर कैसा पैंतरा पतला है। ना आम आदमी उसके वार से बचता है, ना खास आदमी। हद हो गई लूट खसूट और अय्याशी की। जिस औरत को चाहता है अगवा कर लेता है, जिसको चाहता है कत्ल कर देता है। सुना है कुछ दिन हुए अपनी एक कनीज के शौहर को कत्ल कर दिया।
और उसकी लाश जंगल में फेंकवा दी। हर रोज उसके नए करतूत सामने आते हैं, उससे छुटकारा मिलना ही चाहिए। सुल्तान से उसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। शिकायत तो उन तक पहुंच जाएगी अब्बा हुजूर, लेकिन उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत किसे होगी? सभी को उसने डरा धमका रखा है। लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जी हाँ, आप बजा फरमाते हैं। खुदा ही बचाए। ये शहर कितना गरीब है मेकरी, यहाँ हमारे लायक कोई हसीना बची ही नहीं, यकीन नहीं आता। है सूबेदार साहब, बेशक है। कौन खुश नसीब है वो? सारे जहां की नूर, नूर जहां हुजूर। मेरी बीवी का कहना है कि पूरे मुद्दागिरी में उसका जवाब नहीं है हुजूर। वाह वाह, सुनकर ही लुत्फ आ गया, देखने में तो कयामत होगी। सुना है बहुत हसीन है हुजूर। उसका नूरानी जलवा कहाँ देखने को मिलेगा? बरकत अंसारी के घर हुजूर, नूर जहां उसकी बहन है। बड़ा ऊंचा खानदान है, जगह खतरनाक है, जाने दो। सूबेदार साहब, ना आपसे कोई ऊंचा है और ना खतरनाक। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, अगर आप होश में होते तो फौरन हिम्मत कर लेते। ये बात है तो फिर ठीक है, हम कल बरकत अंसारी के मेहमान बनेंगे। सूबेदार को सलाम किया जाता है, उसकी इज्जत करके उसकी खुशनुदी हासिल की जाती है। बुजुर्गों को तुम जैसे छोटे आदमी सलाम करते हैं, पर तुम्हारी खुशनुदी वो हासिल करे जिसको तुमसे कोई गर्ज हो। तुम हमें नापसंदीदा मेहमान समझते हो? मैंने तुम्हें यहाँ आने की दावत नहीं दी थी, ना ही तुमने मुझे यहाँ आने की खबर की है। बहुत बोलते हो, बरकत अंसारी कहाँ है? अभी आता ही होगा। तुम्हें उससे काम है तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो यहाँ हो या ना हो, काम तो हम अपना करके ही जाएंगे। क्या काम है? उस पर बगावत का इल्जाम है, घर की तलाशी लेनी है। बगावत? घर की तलाशी? लेकिन लेकिन बरकत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हट जाओ हमारे रास्ते से। चलो रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। खबरदार, खबरदार, छोड़ दो मुझे। इस्मान खान, चलो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। छोड़ दो मुझे, चलो। इस्मान खान, तुम इस तरह हमारी इज्जत नहीं करते। छोड़ दूंगा, चलो, चलो, खसी जाओ, चलो, पीछे हट, छोड़ दो इसे। नूरजहां, बेगम, इससे पहले कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, बरकत को तलाश करो, बरकत को बुलाओ। बरकत, बरकत बेटा। अबू,
बरकत, हम लड़के बरकत। क्या हुआ अबू, क्या बात है? बरकत बेटे जल्दी जा, उस्मान खान दूर जहाँ को उठा ले गया। जा बेटे जा, जल्दी जा। उस्मान खान, क्या कर रहा तू बरकत? क्या कर रहा है बेटा बरकत? बरकत बेटे, बरकत बेटे, बरकत। मैं उस्मान खान से मिलने जा रहा हूँ। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैं उसे जान से मार दूंगा, उसकी लाश चील कौओं को खिला दूंगा। बाहर निकालो से, बाहर निकालो से, उस्मान खान बाहर आओ। छोड़ दे नूर जहाँ को, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बहन नूर जहाँ को उस्मान खान, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ दे उसे। चुपचाप चले जाओ वरना कैद में डलवा दूंगा। सारे शहर को इकट्ठा करके तेरे घर को आग लगा दूंगा। जो जी चाहे कर लो। तेरी जबरदस्तियाँ नाकाबले बर्दाश्त हो चुकी है। मुद्दागिरी के शहरी तेरे नाम से थर थर कांपने लगे हैं। तूने मुझ जैसे शरीफ शहरी को भी तंग करने की हिम्मत की? छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे मेरी बहन को, वरना अपनी जान की सलामती चाहते हो तो फौरन चले जाओ। छोड़ दो उस्मान खान। ले जाओ इसे और बाहर फेंक दो। से आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, कहिए तो। चली जाओ यहाँ से। बरकत बेटे, तुम श्रीरंगा पटना जाओ, सुल्तान से मिलो। वो ना मिले तो पुरनिया पंडित से मिलो, गाजी खास से मिलो, वो सब तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। मिल तो लूंगा, वो मुझे नामुराद नहीं लौटाएंगे, मगर वो भी हमारी खोई हुई इज्जत तो हमें नहीं लौटा सकते। बड़ी तमन्ना थी अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़े धूमधाम से होगी, लेकिन क्या पता था कि जीती जी उसका यहाँ से जनाजा निकलेगा। शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। जिधर जाता हूँ लोगों की निगाहें मुझे डसने लगती हैं। रहम, हमदर्दी, नफरत, बेजारी, मेरी बुजदिली पर फटकार, कुछ कहे बगैर ही लोग मुझसे सब कुछ कह देते हैं। लेकिन तुम कब तक खामोश रहोगे? ये खामोशी आंधी चलने से पहले की खामोशी है। साथियों, जहर का इलाज जहर ही कर सकता है, लोहा लोहे को काटता है। अगर उस्मान खान ने कानून अपने हाथ में ले लिया है तो हम भी कानून अपने हाथ में ले लेंगे। हम उसको दिखा देंगे कि चांदनी सिर्फ चार रोज की होती है, उसके बाद अंधेरी रातें ही आ जाती हैं। उस्मान खान ने हम पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब हमारी बारी है। अगर हमने उसके हाथ पैर नहीं काटे तो मुद्दागिरी के हर खानदान को तबाह कर देगा। अगर आप लोगों को अपने खानदानों को तबाही से बचाना है, अपनी इज्जत प्यारी है, तो एक हो जाइए और उस्मान खान के दुश्मनों की एक फौज तैयार कीजिए। मगर ये सब काम बहुत ही राजदारी और होशियारी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना हो, ताकि हम अचानक उसकी गर्दन पर तलवार रख सकें। इन सब कामों के लिए जितनी दौलत चाहिए, हथियार चाहिए, वो मैं दूंगा। बदले में मुझे आपका फौलादी इरादा चाहिए। फिर कोई वजह नहीं कि हमारी बगावत कामयाब ना हो। चलो।
कौन? मैं मुनव्वर खान। मुनव्वर खान? हाँ। आ जाओ। मुनव्वर मेरे दोस्त, कहाँ रहे अब तक? मैंने मुद्दागिरी छोड़ दी है। वो तो मैंने सुना था, लेकिन इतनी रात गए छिपकर आने की क्या जरूरत थी? बताता हूं साहब, बताता हूं। हुआ ये कि कोतवाली के ओहदेदारों को ये शुबा हो गया कि मैं अंग्रेजों का जासूस हूं। मुझे ये खबर मिली कि वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैं यहां से भाग निकला। वो अभी मुझे गिरफ्तार कर सकते। बड़े डरपोक हो, इतनी सी बात से भाग निकले। तुम्हें तो चाहिए था कि कोतवाली जाकर शुबा दूर करा देते। कैसे दूर करा देता? कोतवाली का शुबा गलत नहीं था। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। निकल जाओ यहां से। निकल जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं सुनना। तुम चाहते हो या नहीं? तुम्हारी बगावत की तैयारी के बारे में बात करनी है मुझे। तुम्हें कैसे पता चला? अंग्रेजों के जासूस सारे मैसूर में फैले हुए हैं। कोई भी अहम वाक्या हो, हमें तुरंत मालूम हो जाता है, चाहे वो कितना ही खुफिया क्यों ना हो। वेलूर रेजिमेंट कमांडर को जब तुम्हारी बगावत की तैयारियों की खबर मिली, उन्होंने फौरन मुझे रवाना कर दिया। वो हमसे क्या चाहते हैं? बगावत। सिर्फ उस्मान के खिलाफ ही नहीं, सुल्तान के खिलाफ भी। सुल्तान के खिलाफ क्यों? ये मेरा शख्सी मामला है। मेरी दुश्मनी सिर्फ उस्मान खान से है। बरकत अंसारी, उस्मान खान के खिलाफ तुम्हारी बगावत कभी कामयाब ना होगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ताकत है, तुम्हारा जोश। लेकिन सिर्फ जोश के बलबूते पर किसी बड़ी ताकत से टक्कर नहीं ली जा सकती। उसके लिए हथियार और तरबियत चाहिए। अंग्रेज हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार है। तुम्हें बस एक लफ्ज कहना है, हाँ, उसके बाद तुम सुल्तान को। अपनी नापाक जबान से सुल्तान का नाम मत लो मुनव्वर खान। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी बहादुरी और वतन परस्ती की कद्र करता हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए तुम जैसे गद्दारों और नमक हरामों की फहरिस्त में बरकत अंसारी का नाम कभी नहीं आएगा। तुम अगर हमारे दोस्त होते तो हम तुम्हें अभी कोतवाल के हवाले कर देते। इसलिए जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से, और फिर अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। तुम जैसे वफादार ही अपनी कब्र खोदते हैं बरकत। हमारी मदद के बगैर तुम उस्मान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंतकाम की हसरत में सड़ते रहोगे और एक दिन मुझे याद करोगे। न जाने तुमने क्या जादू कर दिया हमको। तुमसे एक लम्हे के लिए भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन क्या करें, सूबेदारी की जिम्मेदारियां इजाजत नहीं देती क्या? जिम्मेदारियां? आपको उनका एहसास है? चलो तुम ही बता दो, हमें कौन सी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, है? मेरी जिंदगी और मेरी इज्जत का एहसास। चार महीनों से आपकी हवस का शिकार बनी हुई हूँ, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप तो निकाह कर लीजिए, कम से कम आपकी औलाद को बाप का नाम तो मिल जाएगा।
ओह निकाह, ये क्या रस्म बातें ले बैठी? तुम इत्मीनान रखो, हम ऐसा बंदोबस्त कर देंगे कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तुम इसको गलती कह रहे हो? और नहीं तो क्या। जरा सोचिए सूबेदार साहब, मुस्तफा अंसारी की इतनी सारी दौलत और जायदाद, नूर जहां का इतना हिस्सा नहीं होगा जितना उसके बच्चे का। वैसे भी सूबेदार साहब, निकाह तो शराफत का काम है। क्या बात कही है मेकरी, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं था। हम टिपू सुल्तान से तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें सालार से नायब सूबेदार के ओहदे पर तरक्की दिलवा देंगे। बंदा आपका बहुत शुक्रगुजार है हुजूर। नूरजहां, हमने अपना इरादा बदल दिया है, हम तुमसे निकाह करें। हमने ये भी फैसला किया है कि आवारा जिंदगी से बाज आ जाए और एक सीधी सादी जिंदगी बसर करें। बीवी हो, बच्चे हो, और जब सूबेदारी से हट जाए ना, तो एक आराम की जिंदगी गुजार सके। क्यों, तुम इन बातों से खुश नहीं हुई? हाँ, बहुत खुश हूँ। तो फिर कल हम दोनों आपके घर जाएंगे और ये खुशखबरी सबको सुनाएंगे। हाँ, शादी होगी, निकाह होगा, बच्चे होंगे। पूजा, ये क्या कर लिया तुमने?
इस बेरहम और बेशर्म सूबेदार ने मेरी बहन नूरजहां की लाश हमारे घर भेज दी। ईद से एक रोज पहले उसे दफन किया गया। सारा शहर उसके सोग में डूबा हुआ था, फिर भी बगावत का ऐलान करके हमने अपनी ईद कर ली। लेकिन बगावत इस हद तक नाकाम रही कि मेरा इंतकाम पूरा ना हो सका और उस्मान खान की जान बच गई। उस्मान खान, अब तुम अपनी सफाई पेश कर सकते हो। ये सब झूठ है, ये साजिश है सुल्तान। थोड़ी बहुत सख्ती मैंने जरूर की, लेकिन सल्तनत खुदादाद की खिदमत और फायदे के लिए। बरकत अंसारी के गवाह पेश किए जाएं। गवाहाने मुद्दागिरी हाजिर हो। गवाह अपनी शहादत पेश करें। उस्मान खान ने बरकत अंसारी पर बहुत जुल्म किए हैं सुल्तान। दूसरे कई खानदान भी इसने तबाह किए हैं। कौन सा जुल्म है जो उस्मान खान ने नहीं किया? हम सभी लोगों को इनसे बहुत शिकायत है सुल्तान। अब बताओ तुम्हें क्या कहना है उस्मान खान। सुल्तान, मुझे जब ये पता चला कि बरकत अंसारी और इनके सभी दोस्त हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें सबक सिखाने के लिए शायद जरूरत से ज्यादा ही। ये गलत है। तुम अपने सिया करतूत पर मकरो फरेब का पर्दा डाल रहे हो। अगर वो सियासी बगावत थी तो हमें खबर करना तुम्हारा फर्ज था। एक शहरी के सियासी और समाजी हुकूक की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसकी हिफाजत का फर्ज हुकूमत के सभी अहदेदारों पर लाजिम है। अगर कोई अहदेदार अपने इस फर्ज से गफलत करे तो यह खुद एक जुर्म है, लेकिन इससे भी बड़ा जुर्म यह है कि वो शहरियों के हुकूक का गला घोटे और गैर इंसानी और गैर शरीफाना रवैया इख्तियार कर ले। सल्तनत खुदादाद के लिए ऐसे अहदेदार नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तमाम बयानात सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिन हालात में बरकत अंसारी ने बगावत का झंडा बुलंद किया वो हुकूमत के एक आला अहदेदार के घिनौने जुर्म की वजह से किया। वो एक शख्सी इंतकाम का जज्बा था, सियासी बगावत नहीं। इसीलिए बजा तौर पर हम बरकत अंसारी को बरी करते हैं और बाइज्जत रिहा करते हैं। जो माली और जज्बाती तकलीफें बरकत अंसारी, उसकी शरीफ और मासूम बहन नूर जहान और उनके वालदैन को हमारे एक अहदेदार ने पहुंचाई हैं, हमारी हुकूमत उनकी तलाफी का जिम्मा लेती है। और उस्मान खान, तुम और तुम्हारे साथी मोहिउद्दीन मेकरी ने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया, कितनी जायदादें अपने लिए जब्त कर ली, कितनी औरतों का अगवा किया और उनकी इज्जत लूटी। असल में तुम दोनों इस बगावत के जिम्मेदार हो। कानून सल्तनत खुदादाद सरकारी अहदेदारों और अवाम के दरमियान कोई फर्क नहीं करता, वो सबके लिए एक है। उसके मुताबिक तुम दोनों को सजाए मौत दी जाती है। अगर हम चाहते हैं हमारी उम्मीदें और हमारे ख्वाब पूरे हों, अगर हमें अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना है तो इसका तकाजा है कि हुकूमत के सभी अहदेदार नेक सीरत, मुनसिफ मिजाज और बुलंद किरदार हों। वो अपने आप को आवाम का खिदमतगार समझें, ना कि उनका मालिक। अगर उनसे ये मुमकिन नहीं
तो वो अपनी जगह छोड़कर हट जाए ताकि उनसे बेहतर लोग उनकी जगह ले सकें। होशदार, निगाहें रूबरू, खाकान दौरा, साहिब कुरान जमा, शाह आदिल, करीम बादिल, शेर मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान, नुजूल अजलाल फरमा रहे हैं। तशरीफ रखिए। हमें निजाम और पेशवा के दरमियान फौजी माहदे की खबर मिल चुकी है। यह मुआहिदा हमारे ही खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हमने जब से होश संभाला है, जिंदगी का ज्यादा हिस्सा घोड़े की पीठ पर मैदान जंग में गुजारा है। हमारी उंगलियां तलवार के कब्जे को अंगूठी समझने लगी हैं, लेकिन हम जंग पसंद नहीं करते। फिर भी हमारे पड़ोसी निजाम का ख्याल है कि उनके बेटे अलीजा को उनके खिलाफ बगावत पर आपने उकसाया था। निजाम को समझना चाहिए, खुदा के हुक्म के मुताबिक औलाद को मां बाप के सामने उफ भी करने का हक नहीं। अल्लाह की नाफरमानी पर किसी बंदे को आमादा करना तो दरकिनार। हम ऐसे किसी गुनाहगार की मदद भी नहीं कर सकते। निजाम का कहना है कि आपके ऊपर जो कातिलाना हमले हुए, आपने उसका इंतकाम लेने के लिए आदमी से भला लेंगे क्या इंतकाम, हमने सांपों को पाला है मारा नहीं। इस मुआहदे के पीछे निजाम अली खान के दामाद नवाब महाबत जंग का पूरा पूरा हाथ है। एहसान फरामोशी की शानदार मिसाल है। अभी कल की बात है, जब होसकोट और गोरमकुंडा के जंग के मैदान में उनके बाप बसालत जंग ने हमारे बाप नवाब हैदर अली खान बहादुर की मदद से फतह पाई थी और माले गनीमत में अपना हिस्सा हमारे बाप के हाथ बेच डाला था। अब्बू जान मरहूम उन्हें जिंदगी भर ताजिर कह के याद फरमाया करते थे। नवाब कभी नहीं कहा, मेरे ख्याल में मूजी को ईजा पहुंचाने से पहले उसे कत्ल कर देना बेहतर है। अधूनी पर कब्जा हमारी कई मुश्किलों का हल हो सकता है। हम सबकी भी यही राय है सुल्तान। क्या जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं? जान की अमान, दुश्मन सिर्फ जंग चाहता है। हमारी खामोशी उनका हौसला बढ़ा सकती है। जान निसार सर से कफन बांधे खड़े हैं। सिर्फ हुक्म सुल्तानी का इंतजार है। वफादारों को इख्तियार है। शेर मैसूर जिंदाबाद, सल्तनत खुदादार पांडाबाद। भगवान हम सबको सफल करे। खुदा हाफिज। इमाम जामिन की जमानत ने दिया, मौला अली शेर खुदा के हवाले किया। जैसे उन्होंने खैबर फतह किया, तुम्हें अधूरी पर फतह दिलवाए। आमीन। दादी जान, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी।
जासूसों की इतला के मुताबिक टीपू सुल्तान अपनी लश्कर के साथ अदूनी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। किस इरादे से, कितनी फौज के साथ? बगैर किसी पयामो सलाम के लश्कर के साथ हमारी सरहदों में दाखिल होना साफ बताता है कि इरादा नेक नहीं, और जब सुल्तान खुद लश्कर के साथ हों तो उनकी छोटी सी फौज भी किसी बड़ी फौज से कम नहीं होती हुजूर। हमें अपने इस दुश्मन से यही अंदेशा था दीवाना असद अली खान। आपके अंदेशे हमेशा सही साबित होते हैं हुजूर। सिपा सलार लाल खान, एक कासिद हैदराबाद, एक पुणे रवाना करो और मुकाबले की तैयारी करो। हमारी फौजें चौकस हैं हुजूर, लेकिन दुश्मन का मुकाबला कहाँ किया जाए, खुले मैदान में या किले? हैदराबाद और पुणे की फौजों का इंतजार किया जाए। अगर उनके पहुंचने में देर होती है तो दुश्मन हमारे घर में घुसाएगा। हम उसे दरवाजे पर ही रोक लेंगे। हमारी मदद को आने वाली फौजें उस पर पीछे से हमला कर देंगी। फिर दुश्मन के लिए ना भागने का मौका रहेगा ना लड़ने की हिम्मत। आधुनिक का मैदान टीपू सुल्तान की फौज का कब्रस्तान बन जाएगा। कासिद क्या पैगाम लेकर जाए हुजूर? टीपू सुल्तान की तलवार निजाम और पेशवा की दोस्ती का रिश्ता काटने के लिए म्यान से बाहर आ चुकी है। इस वक्त हमें अपनी दोस्ती की मजबूती का सबूत पेश करना है। टीपू सुल्तान की तलवार उसके हाथ से छीन लेनी है। हमारे फिरंगी दोस्त भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं। क्या अंग्रेजों से भी मदद ली जाए सरकार? अभी हमारे नाखून ऐसे नहीं गिरे कि दुश्मन का मुंह नोचने के लिए अपने तमाम दोस्तों को तकलीफ दें। हुजूर का हौसला हमेशा बुलंद रहा है। हम कुलिश खां की औलाद हैं, बहादुरी हमारा वर्षा है। टीपू सुल्तान की फौज की नकलो हरकत पर नजर रखी जाए। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वो देखिए सब तैयार है। लाल खां जी हुजूर, तुमने खूब मजबूत मोर्चा बंदी की है। टीपू सुल्तान की फौज इस किले की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। तुम्हारी इस नाकाबिले तकसीर किले पर मजबूत मोर्चा बंदी सोने पर सुहागा है। सरकार का हुस्न नजर है, वरना ये बंदा किस काम का। हम खुश हैं, टीपू सुल्तान की पसपाई के बाद तुम्हें इनाम दिया जाएगा। हमारे पास 2 हफ्ते से ज्यादा लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है सरकार। दुश्मन हमारे सामने 3 दिन भी ठहर जाए तो बहुत समझो। आपकी जबान मुबारक हो, क्या एक एक कासिद और रवाना किया जाए? भेज दो, लेकिन हमें यकीन है हैदराबाद और पुणे से आने वाली फौजें रास्ते में ही होंगी। लेकिन दुश्मन हमारे किले से चंद मील दूर शहर के बाहर पड़ाव डाल चुके हैं। लाल खां, उसे पड़ाव उठाना नसीब ना होगा। जिसकी मौत जहां लिखी होती है
उसे घेर कर वहीं ले जाती है। हुजूर जहां की अमां, बंदा दस बस्ता ये अर्ज करने पर मजबूर है कि ये माहिदा आपके चचा अब्बा और पेशवा साहब के बीच सुल्तान के खिलाफ एक दूसरे की मदद करने का है। इस माहिदे में आपकी मदद का कहीं कोई जिक्र नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो दीवाना सद अली खान? आपका खानदानी नमखार हूँ, इसलिए ऊंच नीच पर नजर रखना अपना फर्ज समझता हूँ। साफ साफ कहो। अदूनी पर सबकी नजर है हुजूर। शायद तुम ठीक कहते हो। हुजूर को गुलाम का खून हलाल है। अगले लोग बड़े पते की बात कह गए हैं, मगरूर फकीर को भीख नहीं मिलती, कमजोर बादशाह की हुकूमत नहीं चलती। क्या नसीबे दुश्मना, मिजाज कुछ नासाज है? नहीं बेगम, मिजाज तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? शायद तकदीर नाराज है। खुदा न करे, तौबा, आप ये कैसी फालेबद मुंह से निकाल रहे हैं? ये फालेबद नहीं है बेगम, एक सच्चाई है। अगर खुदा किसी को कुछ देता है तो उसे बड़ी आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को हुस्न देता है तो हर वक्त हवसनाक निगाहें उसका पीछा करती हैं, और अगर किसी को माल और दौलत से नवाजता है तो उसके पीछे चोर उचक्के और डाकू पड़ जाते हैं। जिसे इज्जत और शोहरत बख्शता है तो उसकी बदगोई में गंदी जबानें मसरूफ रहती हैं, और जिसे मुल्क देता है उसके पीछे ताकतवर हुक्मरान पड़ जाते हैं। मेरे सरताज, बड़ों की बड़ी बातें, मैं कम अकल क्या समझूं? मुझे तो बस आपकी एक मोहब्बत पर ही नजर चाहिए। वो तो आपके इस हसीन चेहरे से नहीं हटती बेगम। आपकी मोहब्बत की कसम, आपकी इन घनेरी जुल्फों का साया मुझे नसीब ना होता तो मैं परेशानियों की चिलचिलाती धूप में झुलस जाता। या अल्लाह, मेरी खुश नसीबी इतनी ना बढ़े कि बदनसीबी से जा मिले। आप हमारे सामने ही हमें, खुदा ना करे, खुदा ना करे, आप कनीज से इतने बदगुमान हैं। हम जिस दिन आपसे बदगुमान हो गए बेगम, उस दिन जिंदगी हमसे रूठ जाएगी। जामो मीना मंगवाऊं? दामने दिल से परेशानियों को धो जाएगी। आपके शबाब की आंच शराब का नशा चढ़ने न देगी। तो गाने वालियों को तलब करूं, जी बहल जाएगा।
आपकी आवाज की खनक हर आवाज को बेसुरा बना देगी। हमारा दिल तो आपके पास है, आप ही बहला दीजिए। रक्स मुलाहिजा फरमाएंगे? आपके चश्मो अबरू के इशारों के बाद उसकी जरूरत नहीं। हाय अल्लाह, आज तो आप हमें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा रहे हैं। काश ये हमारे बस में होता बेगम। मेरी सरताज, क्या बात है, आज आप दिल शिकनी की आवाज में दिलदारी की बातें कर रहे हैं? हाँ बेगम, आज हम उस पुले सरात पर खड़े हैं जिसकी एक तरफ हुस्न शबाब की जन्नत है और दूसरी तरफ जंग के भड़कते हुए शोलों का जहन्नुम। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए किससे जंग आ पड़ी? टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान से? खुदा खैर करे, मगर क्यों? आपके वालिद और पेशवा के दरमियान फौजी मुआहिदे की बदौलत। मगर इस मुआहिदे से आपका क्या ताल्लुक? चचा जान ने इस सिलसिले में मुझे ही पुणे भेजा था। इसका मतलब है मछली के शिकार में आपको बतौर चारा इस्तेमाल किया गया है। आप अपने वालिद के खिलाफ? बाप का एहतराम अपनी जगह है, सुहाग की हिफाजत अपनी जगह है। बाबा जान शायद ये नहीं जानते कि दहकते हुए तंदूर की आग चुल्लू भर पानी से नहीं बुझाई जा सकती, इससे तो वो और भड़क उठती है। आप टीपू सुल्तान से सुलह की बातचीत कीजिए। सुना है उनके दुश्मन भी उनकी शराफत के गुनगाते हैं। एक से सुलह करके दो को दुश्मन बना लूं? आपको गलत फहमी हुई है बाबा जान, मेरे होते हुए आप पर लश्कर कशी नहीं कर सकते, और पेशवा से तो उनका मुआहिदा है। आप मेरी गुजारिश पर गौर फरमाइए। हमने एक दिन आराम भी कर लिया और इंतजार भी। शायद हम सही वक्त पर पहुंच गए सुल्तान। सही वक्त से तुम्हारा क्या मकसद है? अभी दुश्मन को उसके दोस्तों की कुमक नहीं पहुंची है, उसकी ताकत कम है। हम अपने घर से एक अज़्म, एक इरादा लेकर निकले हैं। ना हमें दुश्मन की ताकत की कमी पर खुश होना है, ना ज्यादती से घबराना है, सिर्फ अपनी ताकत आजमाना है। बेशक सुल्तान का फरमाना बजा है। नवाब महाबत जंग, वाली अधूनी के दीवान जनाब असद खां बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। बाहुक में सुल्तान इज्जत बख्शी जाती है। हमारे पास आने का मकसद उस दोस्ताना मुआहिदे की याद ताजा करना जो आपके वालिद माजिद नवाब हैदर अली साहब मरहूम और गुलाम के आका नवाब महाबत जंग के वालिद शुजाउल मुल्क बसाला जंग मरहूम के दरमियान हुआ था। होस कोट और गोरम कुंडे की जंग की वक्त? जी हुजूर। वो मुआहिदा जिन बुजुर्गों के दरमियान था वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तुम्हारे आका से हमारा कोई माहिदा नहीं है। जान की अमान, क्या आप अपने वालिद मरहूम की तहरीर का एहतराम भी? ठहरो, शायद तुम्हें और तुम्हारे आका को इलाही कानून नहीं मालूम। बेटा बाप का तरका पा सकता है, बाप का किसास ले सकता है, उसे बाप का कर्ज अदा करना पड़ेगा, लेकिन बाप की किसी भूल की सजा उसे नहीं दी जा सकती। मगर हुजूर, बाप के किए वादे तो बेटे को पूरे करने चाहिए, लेकिन किससे?
जो वादे की अहमियत न जानते हो उनसे, जो हमेशा वादा खिलाफी करते आए हैं उनसे। याद रखो असद अली खान, आजमाए हुओं को आजमाना जहालत है, बेवकूफी है। हम जिस इरादे से यहां आए हैं उसे बदलवाना ना तुम्हारे बस में है, ना तुम्हारे आखा के बस में, ना जंग से ना तावाने जंग से। ये सुल्तान का आखिरी फैसला है? ये हमारे कहने की नहीं, तुम्हारे समझने की बात है। किस्मत ने दो शाहों के दरमियान मुझे चौगान का गेंद बना दिया है। जल्दी कहो क्या हुआ, क्या कहा टीपू सुल्तान ने? तुम चुप क्यों हो, बताते क्यों नहीं? क्या हुआ, तुम्हें सांस हो गया है क्या? समझदार गुलाम अपने आकाओं के सामने ऐसी बातें जबान पर नहीं लाते जिन्हें उनके आका सुनना पसंद ना करते हों। तुमने उसे कुछ देने दिलाने की बात क्यों नहीं की? अदूली देने का मुझे इख्तियार नहीं और इससे कम लेने पर वो तैयार नहीं। इसका मतलब है जंग यकीनी है। उसी तरह जिस तरह मौत यकीनी है। मगर मुझे यकीन है कल हैदराबाद और पुणे से मदद जरूर आएगी। कल किसने देखा है हुजूर, बात आज की है, आज की, कल की नहीं। क्या इस बुलंद और मजबूत किले से, टीपू सुल्तान से हम एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकते? खुदा चाहे तो एक साल तक कर सकते हैं, मगर मगर क्या? मगर मुश्किल यह है कि खुदा जो चाहता है वो टीपू सुल्तान के लिए चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदद आप करता है, दूसरों को नहीं पुकारता। काश हम भी उसके रास्ते पर चल सकते हैं। सरकार, भारत के जखीरे में किसी तरह पानी पहुंच गया है। क्या? कौन है ये नमक हराम?
जिसने ये हरकत की, जिसने हमें खुदकुशी पे मजबूर किया, कौन है वो गद्दार? उसे तोप के धाने से बांध के उड़ा दो अभी और इसी वक्त। आप फौरन यहाँ से हट जाएं। उसे नहीं, हम दुश्मन का ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपका यहाँ से निकल जाना आपके लिए और आपके गुलामों के लिए मुनासिब है। सरकार जल्दी फरमाइए, वक्त बहुत कम है। मगर तुम्हारा महल? महल महल का ख्याल न फरमाइए, गुलाम मौजूद है, उन्हें भी आपके पीछे पीछे रवाना कर दिया जाएगा। इस वक्त आपका यहाँ से फौरन हट जाना जरूरी है। आइए। हाँ, चलो। रास्ता छोड़ो। सुल्तान की खिदमत में अपनी मलका का नजराना पेश करने से पहले हम रास्ता नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हें अपने घोड़ों के टापों से रौंदते हुए भी गुजर सकते हैं। सुल्तान इस जुल्म का हुक्म नहीं दे सकते। क्या कहना चाहती हो? अधूनी की मलका की जानिब से आपकी खिदमत में नजराना पेश करने की इजाजत। हमें कबूल है। मारसलना का इल्ला रहमतल लिल्लालमीन। अपनी मलका की खिदमत में हमारा सलाम पहुंचाओ।
और हमारी तरफ से कहो वल्लाहु खैरुल माकरीन, हम हवा की बेटियों को आदम के बेटों की बहन समझते हैं। वो जहां चाहें इज्जत और एहतराम से जा सकती हैं। हमारा खंजर हमारे वादे का सबूत है। हम किले पर कब्जा कल करेंगे, कोई सिपाही अंदर कदम नहीं रखेगा। अगर निजाम और पेशवा की फौजें आ गईं, तो किला दोबारा हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कुशा पर ईमान रखने वाले मुश्किलों से नहीं घबराते। किले का महासरा ना उठाया जाए और बाहर जाने वालों का रास्ता रोका ना जाए। सुल्तान को पैगाम भिजवाओ कि सूरज निकलने के बाद किला आपका है। हारे हुए दुश्मन की इज्जत को अपनी इज्जत समझना ये आपकी बड़ाई का सबूत है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारा हाथी मंगवाओ, हम इसी वक्त रायचूर जाएंगे। सरकार, सुल्तानी फौज किले को चारों तरफ से घिरे हुए है। उनसे हमें खतरा नहीं है, वो हम पर हरगिज हमला नहीं करेंगे। अल्लाह निगहबान। हमें यकीन है कि सुल्तान तुम लोगों के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। सरकार, हम लोगों की फिक्र ना करें, कनीजों की आबरू मलका की इज्जत का सदका है। इज्जत का सदका जान तो हो सकती है, इज्जत नहीं। आबरू चाहे मलिका की हो या कनीज की, आबरू आबरू होती है। रास्ता छोड़ो, हट जाओ, जाने दो। रास्ता छोड़ो, जाने दो।
इन सब के अलावा नवाब असालत जंग मरहूम का एक शानदार कुतुबखाना भी है। कुतुबखाना श्रीरंगापटना भिजवा दिया जाए। ये बहुत अच्छा। ये जेवर गरीबों में बांट दिए जाएं। जी नमस्कार सुल्तान। नमस्कार पूर्णिया जी, यहां अचानक आने का सबब? पहले फतेह की मुबारकबाद कबूल फरमाइए, फिर आने का सबब अर्ज करूंगा। आपको भी मुबारक हो। अब बताइए। बताता हूं सुल्तान, पहले आप फुर्सत तो पा लीजिए। पूर्णिया साहब, सुल्तानों को फुर्सत मौत के बाद भी नहीं मिलती, वहां भी हिसाब किताब लंबा देना पड़ता है। आपका हिसाब किताब बिल्कुल साफ है सुल्तान, कहीं उलट फेर नहीं है। खैर, वो तो हमारे आखिरी सफर के बाद की बात है। अब आप अपने सफर के बारे में बताइए। मैं समझता हूं बात अहम है, खुशखबरी नहीं, वरना अब तक आप कह चुके होते। जी जी, वो बात यह है कि मलिका रुकैया बच्चे को जन्म देते हुए आपका साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ाए मौला वरहम औला। कौन हो तुम? मैं रुकैया हूँ। काजी चाचा ने बताया कि तुम लोग भूखे हो, उनके पीछे सिपाही पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। शायद हम दोनों को इस मुबारक घड़ी का बचपन से इंतजार था। खुदा हम पर किस कदर मेहरबान है जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। शुक्र है उसका। बसद शौक सुना दी जाए, दिल की आवाज बसद शौक सुना दी जाए, जिंदगी आपके कदमों में लुटा दी जाए।
हर तरफ शोर है एक फतहा मुबारक बाशद, हर तरफ शोर है एक फतहा मुबारक बाशद, लो मसरत के चरागों की बढ़ा दी जाए, भीनी भीनी सी है खुशबू की चमन की खुशबू, भीनी भीनी सी है खुशबू की चमन की खुशबू, ये महक शहर के घर घर में बसा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صبح بخیر سلطان۔ صبح بخیر غازی بابا۔ अब हमारा जी यहां नहीं लग रहा है, हम श्रीरंगपटना जाना चाहते हैं। मैं भी यही अर्ज करने आया था सुल्तान। तो फिर कूच की तैयारी कीजिए। जी बिल्कुल, आप जमी जम श्रीरंगपटना सिधारे और अपने नमक ख्वारों को शानूर पर चढ़ाई करने का हुक्म फरमाएं। क्या नवाब अब्दुल हकीम खान ने फिर सर उठाया है? जी, वो निजाम उल मुल्क और पेशवा के मोहदे में शरीक हो गए हैं। हैदराबाद और पुणे की फौजें अडूनी का नुकसान शानूर से पूरा करना चाहती हैं। नवाब अब्दुल हकीम खान ने अब्बूजान के जमाने में भी सरताबी की थी, लेकिन अब्बूजान ने उसका सर झुकाकर छोड़ दिया था, कुचला नहीं। अब ये फर्ज आपको पूरा करना है। बेशक, हम श्रीरंगपटना बाद में जाएंगे। सरदार महामिर्जा खान अपने रिसाले के साथ सुल्तान की कदमबोशी को पहुंच चुके हैं। सरदार महामिर्जा खान से कहो
कि वो बालकृष्ण को कुमक पहुंचाए। जी बेहतर। खबीर खां, ये वक्त मैदान छोड़ के हटने का नहीं, फौज के साथ रहकर उसका हौसला बढ़ाने का है। तुम हमारे बेटे हो, अब्दुल हकीम की औलाद और बुजदिल। मैं ये कहने आया हूँ, हुजूर निजामुल मुल्क की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उन्हें? बहुत तेज बुखार में मुब्तिला हो गए। उफ, इसी वक्त उन्हें बुखार आना था। वो हैदराबाद जा रहे हैं, उन्हें रोकिए। तुम मुझे संभालो, मैं उन्हें देखता हूँ। आगे बढ़ो, मुकाबला करो। तोपे चलाओ। बहादुर जवानों, तुम्हें अपनी तलवारों की प्यास दुश्मन के खून से बुझाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन मैदान में धूल के बादल छा जाने के बाद क्या बात है? परशुराम जी, निजाम उल मुल्क बीमार हो गए। बीमार हो गए? हाँ, और नवाब अब्दुल हकीम खान उन्हें हैदराबाद पहुंचाने गए। क्या बात करते हो परशुराम जी, ये अफवाह होगी। ये हकीकत है। हैदराबाद और शानूर की फौजें अब्दुल खबीर खान के मातहत हैं और मोर्चा छोड़ रही है। वो अनाड़ी लड़का फौज क्या लड़ाएगा? उसकी सालारी में फौज भागेगी नहीं तो क्या यलगार करेगी? मेरा विचार है उनकी आग उन्हें खुद बुझाने दें। तुम ठीक कहते हो, तुम धीरे धीरे अपने हरावलों को पीछे समेट लो ताकि हम आसानी से अपने चंदावल दस्तों में जा मिले। बेहतर। Thank you.
जान छोड़कर भागने से मौत पीछा नहीं छोड़ती। रुक जाओ, रुक जाओ। गिरफ्तार कर लो इसे। नवाब अब्दुल हकीम खां का बेटा अब्दुल खबीर खां हाजिर है। और अब्दुल हकीम खां? वो निजामुल मुल्क के हमरा हैदराबाद फरार हो गए हैं। क्या हमारी मुसलसल नवाजिशों का यही सिला है? तुम्हारा बाप बराबर नमक हरामी करता रहे, हमारे दुश्मनों से मदद लेकर हमारे खिलाफ बगावत करना उसकी आदत बन चुकी है। आखिर वो बार बार खुदकुशी की कोशिश क्यों करता है? लेकिन मैं बेगुनाह हूं सुल्तान, मुझ पर रहम किया जाए। सांप के बच्चे सपोल ही निकलते हैं, उन्हें गले का हार नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम्हारा बाप खुद हाजिर हो जाए तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। गाजी बाबा जी, कैदियों को श्रीरंगापटना भिजवा दिया जाए। बहुत अच्छा। पहले सर ढाको, फिर बात करो। सुल्तान आपकी दया चाहिए, सुल्तान आपकी दया चाहिए। दया तो भगवान करता है, हम तो उसकी दया का पालन करते हैं। एक एक औरत को इज्जत से उसकी जगह पहुंचा दिया जाए। आज के बाद कभी किसी औरत को गिरफ्तार न किया जाए। इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। जय हो सुल्तान की, जय हो। याद रखो, औरतों का एहतराम न करना हमारे उसूल और आयन के खिलाफ है। जिन औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत नहीं की जा सकती, वो मायूसी का शिकार हो जाती है या इंतकामी जज्बे का। मायूस औरत की कोख से बुजदिल जन्म लेते हैं, और हमारे मुल्क को बुजदिलों की नहीं बहादुरों की जरूरत है। इंतकाम की आग में जलने वाली औरत के पेट से सालिम, जाबिर, सफा, फरेबी और बेगैरत पैदा होते हैं। हिंदुस्तान को गैरतदार, शरीफ और रहम दिल बेटे चाहिए। प्रणाम हरिपंत जी। प्रणाम परशुराम जी, क्या समाचार लाए हो? अभी तक हमारी तरफ टीपू सुल्तान के फौजों की बढ़ने की कोई खबर नहीं। टीपू सुल्तान का झगड़ा हमसे नहीं, नवाब अब्दुल हकीम खां से है। लेकिन अब हमसे भी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने नवाब अब्दुल हकीम खान का साथ दिया है। वो तो हमारा फर्ज था, निजामुल मुल्क के साथ हमारा फौजी मुहायदा है, और वो शाहनूर के नवाब की मदद कर रहे थे। निजामुल मुल्क से हमारा मुहायदा इसलिए है कि अगर हम दोनों में से किसी पर कोई हमला करे तो हम एक दूसरे की मदद करें, इसलिए नहीं कि हम दोनों मिलकर किसी तीसरे पर चढ़ दौड़े या किसी और के लिए किसी से लड़ें। शायद तुम्हारे विचार ठीक हैं। मेरे ख्याल से इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें और अपने साथ पुणे तक न ले जाएं। लेकिन मैं समझता हूं इस कहानी का अंत हो चुका है। मैं नहीं समझता।
मैं सोचता हूं टीपू सुल्तान से बात कर ली जाए कि हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। अगर इस सफाई में खटाई पड़ गई और उल्टी बात बढ़ गई तो? नहीं, बात बढ़ेगी नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगर बात बढ़ भी गई तो किसी भी अचानक हमले का भरपूर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। मेरे ख्याल से बात बिगड़ेगी नहीं। सुल्तान, मैं अपने सरदारों का संदेशा लेकर आपके दरबार में हाजिर हुआ हूं। बयान किया जाए। उनका कहना है कि हम इस जंग में सिर्फ हैदराबाद के साथ अपने मुआहदे की वजह से शरीक हुए हैं, वरना हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। अगर आप पसंद करें तो हम आपसे सुलह चाहते हैं। सुलह से अच्छी क्या बात हो सकती है, हम तो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सुलह चाहते हैं। नवाब हैदर अली साहब बहादुर के जमाने में मैं खुद पुणे से नाजंग मुआहदा करके आया था, लेकिन इस मुआहदे पर अमल नहीं किया गया। नया मुआहदा तो किया जा सकता है, मगर इसकी क्या जमानत है कि नए मुआहदे का हाल पहले जैसा नहीं होगा। हम आपकी खुशी में खुश हैं। हम अंग्रेजों के अलावा और किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते। हर हिंदुस्तानी हुक्मरान हमारा अजीज है, भाई है। हमारे दिल में उसके लिए मोहब्बत भी है और इज्जत भी। धन्य हो सुल्तान, धन्य हो। आपका दिल प्यार का विशाल सागर है। आप अपने सरदार परशुराम भाऊ और हरिपंजी से कहिए कि हमें उनकी जबान पर एतबार है। अगर उन्हें भी हमारी जबान पर एतबार है तो सुलह पक्की समझे, और अगर वो चाहे तो हम कलम से लिख कर देने को तैयार है, बशर्ते के सुलहनामे की रोशनाई तलवार से न खुर्ची जाए। हमारी तरफ से कभी मुआहदे के खिलाफ किसी शिकायत का मौका नहीं दिया गया और ना आइंदा कभी दिया जाएगा। टीपू सुल्तान। तोपखाना बहुत आगे जा चुका है, इस वक्त हम आपकी शान के मुताबिक सलामी नहीं दे सकते। हम यहां सलामी लेने नहीं आए हैं, सिर्फ आपको यह बताने आए हैं कि हमें दुश्मन नहीं दोस्त समझे। चलो आइए सुल्तान। हमारा यहां आने का दूसरा मकसद आपकी बहादुरी की दाद देना है। यह है आपकी बहादुरी का इनाम, कंचनगढ़ की जागीर का परवाना। धन्यवाद। सच्चे सूरमा ही दूसरे वीरों की सराहना करते हैं। मैं सुल्तान का बहुत आभारी हूं। सुल्तान की इस बख्शीश के साथ मैं अपनी जबान से कुछ मांग सकता हूं, अगर सुल्तान इजाजत दे तो। आपकी मांग पूरी करने का वादा हम आपकी बात सुने बगैर नहीं कर सकते। शाहनूर की जागीर नवाब अब्दुल हकीम खां को वापस कर दी जाए।
पत्थर पानी नहीं पीता, जमीन लहू नहीं पीती, नमक हराम एहसान नहीं मानता। अब्दुल हकीम खां के साथ नेकी करना अंधे को आईना दिखाना है। सुल्तान मर्जी के मुख्तार हैं। खुदा हाफिज। भगवान आपकी रक्षा करे। आपसे आज की भेंट सदा याद रहेगी। अगर आप इसका मौका कुछ पहले देते तो यादों की उम्र और लंबी होती। अगर अब्दुल हकीम खां हाजिर हो जाए तो शाहनूर की जागीर उसके बेटे को दे दी जाएगी। ये सब झूठ है। मोहम्मद अली कुमेरान कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है उन्होंने ये गबन किया है? सबूत तो कोई नहीं। फिर किस तरह ये गलत बात तुम्हारे मुंह से निकली? नमक खारों को जो इत्तला मिली सुल्तान तक पहुंचाना अपना फर्ज समझा। हर तरफ चर्चा तो यही हो रहा है कि अधुनी के माले गनीमत से उठाई हुई दौलत उन्होंने सरंगापटना भेजने के लिए शाहनूर की मुहिम छोड़ दी। मुमकिन है गुलामों की इत्तला गलत हो, लेकिन हमारी नीयत में कोई खोट नहीं। नमक ख्वार जान की अमान चाहते हैं। तुम जा सकते हो। कुछ उड़ती उड़ती सी भनक मेरे कानों में भी पड़ी थी। मीर सादिक, मोहम्मद अली कुमेदान इंसान के भेज में फरिश्ता है। उनकी साथ के साथ बुराई का तस्वुर भी गुना है। सुल्तान, बात जाती नहीं सरकारी माल की है, इसलिए तहकीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। पुरनया साहब, सुल्तान, इसमें खुद मोहम्मद अली साहब की इज्जत का सवाल भी है। इस भयानक इल्जाम का दाग तहकीक के पानी से ही धोया जा सकता है। मोहम्मद अली कुमेदान का किरदार आईने की तरह साफ है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मगर कानून सबूत चाहता है। काजी की अदालत में हम सब उनकी सफाई में गवाही दे सकते हैं। कौन साहब है? आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, खुश आमदीद खुश आमदीद। आप सब लोग एक साथ, खैरियत तो है? आपके घर की तलाशी का हुक्म मिला है। मेरे घर में क्या रखा है? बिस्मिल्लाह, देखिए देखिए, जो मिले ले जाइए। तलाशी की जाए। हुजूर, कुछ नहीं मिला। हुजूर, यहां भी कुछ नहीं मिला। ये तलाशी किस जुर्म के इल्जाम में ली जा रही है? आपने अदूनी के माले गनीमत का बहुत बड़ा हिस्सा गबन करके इधर उधर कर दिया है। घर से तो कुछ बरामद हुआ नहीं, लेकिन अदालत में जरूर उगलना पड़ेगा कि कहां छिपा रखा है। तुम होश में तो हो बदरुज़ुमा? कुमेदान साहब, क्यों अपनी सफेदी में स्याही लगाते हैं? अगर आप सच सच बता दें तो काजी के सामने जाने से बच सकते हैं। अगर तुम लोग अपने घरों की तलाशी ले लो तो वो माल बरामद हो सकता है जो मेरे घर में ढूंढ रहे हो। हर आदमी को आईने में अपना चेहरा नजर आता है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कानूनी कार्रवाई तो सबके लिए है। क्या जमाना आ गया है, चोर चक्के भी कानून की दुहाई देने लगे। चलिए
और सुनो, मैंने अधूनी के माले गनीमत से 3 कुरान शरीफ गबन करके मस्जिद आला के मेंबर पर रख दिए हैं। जाओ जाके माल बरामद कर लो और अदालत में मेरी हाजिरी का परवाना भिजवा देना। अंधेर अंधेर, क्या बलों की पगड़ी इस तरह छोटों के हाथों उछाली जाएगी? वफादारों को नमक हरामों के हाथों इस तरह जलील किया जाएगा? ईमानदारों पर नाकर्दा गुनाहों का इल्जाम लगाकर उन्हें सारे बाजार रुसवा किया जाएगा? सुल्तान सुल्तान सुल्तान, मैं जानता हूं, मैं नवाब हैदर अली मरहूम ने इस सल्तनत की बुनियाद में जो ईटें रखी थी उनका गारा मोहम्मद अली के खून पसीने से बना है। इस समंदर से उस समंदर तक मैसूर का झंडा मोहम्मद अली के जोश और वलवलों ने लहराया है। कल तक जो मोहम्मद अली आपके बाप की पगड़ी का तुर्रा था, आज उसे आपके जूते का पहतावा बना दिया गया। इससे तो अच्छा था सुल्तान कि आप उसे तहतेक करा देते। यकीन कीजिए गाजी बाबा, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। हम इसकी तलाफी करेंगे, जरूर तलाफी करेंगे। गाजी बाबा, हम आपकी, पुरनया साहब की, मोहम्मद अली कुमेदान की इज्जत करते हैं जितना कि हम अपने बाप की जिंदगी में उनकी इज्जत करते थे। कोई है? जी सुल्तान। बालकृष्ण को हाजिर किया जाए। जानते हैं आप लोगों ने क्या कर डाला? तहकीकात के माने खाना तलाशी नहीं थी, मगर मोइनुद्दीन साहब, आपको सबसे पहले उन जरियों को टटोलना चाहिए था जहां से आपको खबरें मिली थी। आप सीधे कुमेदान साहब के घर चढ़ दौड़े। उस आदमी की जानिसारी और ईमानदारी पर शक करना अपनी शराफत को दागदार बनाना है, अपने खून का हल्कापन साबित करना है। मैंने आप लोगों को तहकीकात की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी ताकि आप लोगों को इत्मीनान हो जाए। ये सच है कि जल्दबाजी में हम लोगों से भूल हो गई। वो भी ऐसी वैसी भूल? मीर सादिक साहब, इस भूल का सुधार न तो आपसे मुमकिन है और न हमसे। आप लोगों ने आने वाले जमाने की तारीखदारों के सामने हमारा सर झुका दिया है। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए, जिस तरह किसी का कत्ल करके अपनी जिंदगी नहीं बढ़ाई जा सकती, उसी तरह किसी की तौहीन करके अपनी इज्जत पर चार चांद नहीं लगाई जा सकती। नमस्कार कुमेदान साहब। नमस्कार। क्या अब भी हमें सलाम के लायक समझते हैं? आप अपने आने का मकसद बयान करें। सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊं? कुमेदान साहब, इनकार ना फरमाएं। हकीकत को बेनकाब करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको सुल्तान के सामने जाना ही पड़ेगा। समझता हूं। जो बदा है
वो अदा होकर रहेगा। बिस्मिल्लाह, चलिए। हुजूर, ये चोर है, बेईमान है, गासिब है, इसने गबन किया है। इसका मुंह काला करके शहर में फिरा जाए। इसकी नंगी लाश को सड़कों पर घसीटा जाए। इसने सल्तनत खुदादाद के कानून की खिलाफ वर्जी की है। इसने अपने मजहबी आइन को पामाल कर डाला है। ये एक बेएतबार इंसान है। इसे सुल्तान की नजरों के सामने से दूर किया जाए। ले जाओ इसे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोहम्मद अली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दूर कर दो इसको हमारी निगाहों से। सुल्तान तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खुद आए हैं। कुमेदान साहब, आंधी की धूल से दामन मैला नहीं होता, आप दिल मैला क्यों कर रहे हैं? हम आपको अपने गले से लगाने के लिए बेकरार हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सल्तनत खुदादाद का एक मजबूत सतून गिर गया। रज़ाए मौला बरहमा मौला। परवरदिगार, मोहम्मद अली कुमेदान की मग़फ़िरत फ़रमा।
इस शमा बुझा दो। साहिबे इल्म होकर अंधेरे में बैठे हो, अंधेरा तो जहालत की अलामत है। दादी जान, जिसकी दुनिया में अंधेरा या अंधेरा हो, वो अंधेरे में नहीं बैठे तो क्या करे। बेटे, जब से खुदा ने दुनिया बनाई है, उस वक्त से रोशनी और अंधेरे में आंख मिचौली हो रही है। हर दिन के बाद अंधेरा, हर रात के बाद सवेरा, इससे घबराना क्या। मुसलसल सदमों ने मुझे परेशान कर दिया है दादी जान। मोहम्मद अली को मैदान, बुरहानुद्दीन और रुकैया की चलती फिरती तस्वीरें, दम भर को मेरी नजर से उछल नहीं होती। बेटे, ये आपकी इंसानियत का सबूत है, मगर आप इंसान होने के साथ सुल्तान भी हैं। आपकी जिम्मेदारियां आपके जज्बात से ज्यादा अहमियत रखती हैं। बिछड़ने वालों की याद साथियों के रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहिए। बुरहानुद्दीन और रुकैया का बिछड़ जाना अल्लाह का हुक्म था। हाँ, मोहम्मद अली की मौत में कुछ खुदगर्जों का हाथ है, उन पर नजर रखिए, मगर दुश्मन न बनाइए। इस दुनिया में रहना है तो उलझनों को सुलझाना पड़ेगा, तन्हाई उनका इलाज नहीं। आप शादी कर लीजिए। ये किस तरह मुमकिन होगा दादी जान? अभी तो रुकैया का कफन भी मैला नहीं हुआ होगा। मैं बगैर शादी किए भी जिंदगी गुजार सकता हूं। मर्द जात को तो इस दुनिया में क्या, जन्नत में भी तन्हाई रास नहीं आती। हजरत आदम के लिए बीवी हव्वा का पैदा किया जाना, खुदा के नेक बंदों के लिए जन्नत में हूरों का वजूद, ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। मैं चरागे सहरी हो रही हूँ, पता नहीं किस दिन गुल हो जाऊं। आपकी माँ आए दिन बीमार रहती हैं। सुल्तान बेगम को कब तक रोक के रखूंगी? घर की देखभाल के लिए भी कोई अपना चाहिए, नौकरों चाकरों पर घर नहीं चलता। और बच्चों को भी एक माँ चाहिए। आप लोगों की बातें दिमाग मानता है लेकिन दिल कबूल नहीं करता। मेरे लाल, आप सुल्तान हैं, आपको दिल से ज्यादा दिमाग के फैसले पर गौर करना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हैं, आपका हुक्म मेरा फर्ज है। अल्लाह उम्र दराज करे,
खुशियां आठों पहर घेरे रहें। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान।